हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू अन एकेडमी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। देखो यार, कल की क्लास तो हो नहीं पाई क्योंकि कल तो मतलब सर्वर का बड़ा इशू था। तो कल की जो क्लास का जो पीडीएफ है वो मैंने दे दिया था आपको, तो उसका प्रिंट आउट निकला लेना। उसमें 2015 से लेके तो 2020 तक है ना, उसमें मतलब 19 का जो स्पेशल मेंस हुआ था अभी उसको भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो वो 15 से लेके 20 तक जितने भी पेपर है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, फिर से 2 बार, तो 7 ईयर के पूरे पेपर है, 7 पेपर है उसके अंदर। तो उनको एक बार प्रिंट आउट निकाल लेना है ना, जैसे मैंने भी खुद ने निकाल के भी रखा है प्रिंट आउट, कि कभी कुछ देखना पड़ जाए तो उनके प्रिंट आउट वगैरह निकाल के रख लेना। तो वहां से आपको क्वेश्चन वगैरह देखने में बड़ी आसानी यहाँ पर आपको होगी, ठीक है? तो वो जरूर से निकाल लेना उनको, और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसी से उसको देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन पुराने साल में आपको आए हैं, ओल्ड ईयर में आपको आए हैं, तो वो थोड़ा सा देख लेना उसके अंदर। वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसको हमेशा जब भी एथिक्स पढ़ो अपने पास में रखना। चलिए, तो इसकी स्टार्टिंग हम लोग करेंगे विद द फिलोसॉफी ऑफ द गौतम बुद्धा और महावीर स्वामी की जो फिलोसॉफी है। तो इन दोनों की जो इम्पोर्टेंट फिलोसॉफीज हैं उनसे हम लोग यहाँ पर आपको शुरुआत करेंगे। महावीर और पहले गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध के बाद महावीर की फिलोसॉफी। अब देखो, दो तीन इंपॉर्टेंट फिलोसॉफीज या दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट रिलीजन है, जैसे हम लोग बात करें जैनिज्म की, या उसके बाद अभी के समय पे जो बुद्धिज्म है, तो जैनिज्म बुद्धिज्म तमाम जो धर्म है, इन धर्मों का बेस क्या है, इन धर्मों का आधार क्या है, या इन धर्मों की शुरुआत कैसे हुई। तो कई बार इनके बारे में जानने के लिए हमको है ना, तो इनके लोगों के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को इस धर्मों के बारे में, जो उस समय का जो पूरा सिस्टम था, जिस समय पे इस धर्म का विकास हुआ, या बुद्धिज्म जैनिज्म जैसे जो रिलीजन है उनका डेवलपमेंट हुआ, तो उन समय के रिलीजन के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, ठीक है? अब देखो, धर्म की अगर हम लोग बात करें, रिलीजन की अगर हम बात करें, तो हम लोग बुद्धिज्म जैनिज्म में धर्म का प्रकार क्या है, फिर हम हिंदुज्म के बारे में भी आपको बात करेंगे, हिंदू धर्म के बारे में बात करेंगे, जहां पर हिंदू धर्म के अंदर भी जो बेसिक जो फिलोसॉफी है, क्योंकि अभी जो हिंदुज्म की हम लोग बात करते हैं, या जो लोग अभी जिस हिंदुज्म के लिए कि हिंदू कमजोर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उन लोगों को एक्चुअली हिंदुज्म की बेसिक फिलोसॉफी नहीं पता। जो लोग अभी हिंदू हिंदू करते घूम रहे हैं उनको रोक के तुम पूछ लोगे कि भैया द्वैत और अद्वैत में अंतर बता दे, तो पगले झांकने लग जाएगा और तुमको बोलेगा तू इंटरनेशनल है, ठीक है? तो एक्चुअली उनको धर्म के बारे में चीजें नहीं पता, या रिलीजन के बारे में जो बेसिक टेनेंट्स है रिलीजन के, उनके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो बहुत सारी बेसिक चीजें हैं वो हम लोग आपको देखने वाले हैं। अब देखो, रिलीजन की अगर हम लोग यहाँ पर आपको बात करें, तो देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ रिलीजन, अलग अलग टाइप से आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं कि इट्स कॉल्ड द सेमेटिक रिलीजन, है ना? सेमेटिक रिलीजन में आपको क्या होता है कि सेमेटिक रिलीजन जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म आपको हो गया, तो दीज आर कॉल्ड द सेमेटिक रिलीजन। ये लोग क्या करते हैं कि किसी भी धर्म के अंदर इनका जो बेस है या जो इनका आधार है, तो वो एक तरीके से भगवान का जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है कि भगवान के एग्जिस्टेंस को मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो एक चीज उसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो भी धर्म आपका है, तो वो लोग भगवान के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो वहां से आप देखोगे कि वहां पर भी वो एक तरह से डिवाइड आपको हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं कि एथीस्ट या नॉन एथीस्ट के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं। अब जो हिंदुज्म और जैनिज्म जैसे रिलीजन है, इनको हम लोग थोड़ा सा एथीस्ट रिलीजन के रूप में आपको देखते हैं कि ये वेदों के अंदर बिलीव नहीं करते। सबसे पहले हम बोलते हैं ना, यूज करते हैं टर्म नास्तिक, तो जो नास्तिक टर्म है, तो नास्तिक टर्म का एक्चुअली जो मतलब आपको होता है, विच इज नॉट फॉलो द वेदा, जो वेदों को नहीं फॉलो करते हैं, जो वेदों को नहीं मानते, वो क्या होते हैं, नास्तिक होते हैं। नास्तिकता का भगवान से कोई संबंध नहीं होता, ये पहली चीज आप याद रख लेना। आगे जब हम कबीरदास जी पढ़ेंगे, जब बाकी और भी फिलोसॉफीज पढ़ेंगे, वहां पर बड़ा काम आपको आएगा। तो कबीरदास जी एक तरह से क्या है, कबीरदास जी नास्तिक है,
यानी क्यों नास्तिक हैं, क्योंकि उन्होंने वेदों के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, ही रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ वेदा, कि नहीं वेद नहीं है, या वेदों के अंदर जो सिस्टम दिया है, वेदों के अंदर जो फिलोसफी दी है उसमें उन्होंने विश्वास नहीं किया, उसके अंदर आपको बिलीव नहीं किया, तो वो नास्तिक हो गए। तो नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों में विश्वास नहीं रखेगा वो नास्तिक आपको हो जाएगा। और आस्तिक कौन होगा? जो वेदों के अंदर आपको बिलीव रखेगा। कि दो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, वो दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपको याद रखना, कि किस तरीके से हम लोग इन चीजों को यहाँ पर आपको डिवाइड कर सकते हैं, या इनको यहाँ पर आपको विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो बुद्धिज्म जो रिलीजन आपको है, तो उसको इट्स कॉल्ड द थीस्ट रिलीजन आप बोल सकते हैं ना, जो थियोसॉफिकल रिलीजन है। तो इज अ टू बेसिक टाइप ऑफ रिलीजन, वन इज कॉल्ड द थियोसॉफिकल या थीस्ट रिलीजन आप बोल सकते हैं, और एक होता है नॉन थीस्ट। नॉन थीस्ट मतलब जो भगवान के अंदर बिलीव नहीं करता, ये एग्जिस्टेंस के अंदर बिलीव नहीं करता, इट्स कॉल्ड द थेमेटिक, या फिर आपका नॉन थेमेटिक या थीस्टिक रिलीजन या नॉन थीस्टिक रिलीजन। तो दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। और जो थीस्ट रिलीजन है, या जो थीज्म या थियोलॉजी के ऊपर आपको जो बिलीव करता है, वो रिलीजन ऐसा रिलीजन है जो भगवान के एग्जिस्टेंस पर बिलीव करता है, कि देयर इज अ गॉड। जैसे तमाम रिलीजन, जैसे हम लोग बात करें जैसे क्रिश्चियनिटी, या अब जो थीस्ट रिलीजन है, ये भी दो प्रकार के हो जाते हैं। एक होता है विच इज कॉल्ड द मोनोथीस्टिक या एकेश्वरवाद, और दूसरा हो जाता है पॉलीथीस्ट या बहुदेववाद। ठीक है, तो सगुण निर्गुण पे भी पहुंचे ही नहीं हम लोग। ठीक है, तो ये मोनोथीस्टिक रिलीजन हो गया। मोनोथीस्टिक रिलीजन का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है इस्लाम। इस्लाम में क्या है? मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट मतलब देयर इज ओनली वन गॉड, दैट इज अल्लाह। तो सिर्फ एक ही भगवान है, एक ही भगवान है, वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? मोनोथीस्ट, या उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? एकेश्वरवाद। जिस रिलीजन होता है एकेश्वरवाद, एक ही भगवान का आपको है ना। थीज्म या थियस्टिक की बात यहाँ पर आपको बात करें, तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो भगवान में विश्वास रखते हैं, या थीस्ट रिलीजन आपको हो गए, ठीक है, तो वो भगवान हो गया। और पॉलीथीज्म मतलब बहुदेववाद, बहुत सारे देवताओं में बिलीव करते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल क्या है? हिंदुइज्म। तो जो हिंदू धर्म है, ये एक तरीके से क्या हो गया? इट्स अ पॉलीथियस्ट, ये बहुदेववाद आपको हो गया। ये बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हैं, अलग अलग गॉड्स, अलग अलग देवता जो है उनकी पूजा यहाँ पर आपको करते हैं, तो वो क्या हो गया? पॉलीथियस्ट आपको हो गया। और मोनोथीज्म क्या हो गया? जो एक देव की या एक भगवान की यहाँ पर आपको पूजा करते हैं। तो इसमें भी दो प्रकार से डिविजन यहाँ पर आपको हो गया। अब ये तो तमाम थीस्ट रिलीजन आपको हो गए, या आप बोल सकते हैं कि जो भगवान में विश्वास करते हैं। नॉन थियस्टिक रिलीजन जो हो गए, इनके अंदर आप देखो कि जैनिज्म, बुद्धिज्म जैसे जो रिलीजन है, ये क्या है? ये नॉन थियस्टिक आपको है, मतलब ये क्या करते हैं, ये जो आत्मा या तमाम जो कंसेप्ट है उनमें आपको बिलीव नहीं करते, या भगवान के एग्जिस्टेंस के ऊपर एक सवाल आपको उठाते हैं। अब ये दोनों धर्म उन चीजों को लेके क्लियर नहीं है कि भगवान है या नहीं है, बिल्कुल लेके दोनों क्लियर नहीं है ना। मतलब बुद्धिज्म के अंदर भी कंफ्यूजन है, जैनिज्म में भी कंफ्यूजन है, या वो जानबूझ के उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया है। अभी थोड़ा सा तुमको समझने में टाइम लगेगा, 15-20 मिनट में तुम सब चीजें कलेक्ट करने लग जाओगे। बेसिक चीजें बनाना जरूरी यहाँ पर है। तो इनका ये है कि भगवान है या नहीं है, उसका एक बड़ा कंफ्यूजन आपको यहाँ पर है। बुद्धिज्म में भी तमाम चीजें हैं, कि क्या भगवान का एग्जिस्टेंस है, क्या आत्मा का एग्जिस्टेंस आपको है, क्या आत्मा है, क्या भगवान है, क्या चीजें यहाँ पर आपको है। तो उन तमाम चीजों के बारे में बात करें, तो जैनिज्म बुद्धिज्म जो है ना, दोनों नॉन थीस्ट रिलीजन हो गए। ऐसे धर्म है जो भगवान के एग्जिस्टेंस के अंदर या वेदों के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते, तो इनको हम लोग नास्तिक धर्म बोल सकते हैं, या इनको हम लोग सेमेटिक रिलीजन आपको बोल सकते हैं। सेमेटिक में अगर देखा जाए, तो सेमेटिक में इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और आपका जुडिज्म, ये तीनों जो धर्म है, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये तीनों जो है सेमेटिक रिलीजन आपको है, जिनका धर्म जन्म एक ही जगह से आपको हुआ है। तो एक ही इब्राहिम रिलीजन है, उनको इब्राहिमिकल रिलीजन भी आपको बोला जाता है, कि इब्राहिम के धर्म को बिलीव करते हैं। जबकि हिंदुज्म जैसे जो धर्म है, वी हैव द बहुदेववाद, ये बहुत सारे देवताओं की हम लोग आपको पूजा करते हैं। तो बेसिक उनके बीच में अंतर आपको हो गया। फिर आगे जाके हिंदुज्म में भी सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, तमाम प्रकार के जो डिविजन है, तो वो इसमें भी आपको आ जाएंगे, हिंदू धर्म में भी आ जाएंगे। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, है ना, सगुण मतलब भगवान के जो सगुण रूप है, तो भगवान के अभी आगे उसके बारे में आगे बात करेंगे, है ना, वो एक इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन, आगे बात करेंगे उसके बारे में, है ना। इवन जैनिज्म कहीं ना कहीं वेदों को बिलीव करता है, या पुनर्जन्म में जैनिज्म बिलीव करता है, लेकिन बुद्धिज्म उसको प्योरली रिजेक्ट करता है। तो दोनों के अंदर अंतर है उसके अंदर, आगे समझोगे उसको, है ना, अभी से कंसेप्ट मत बनाओ, आगे आएगा। तो निर्गुण भक्ति मतलब भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान का कोई आकार नहीं, तो निर्गुण, क्योंकि कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं, तो निर्गुण भक्ति, जैसे कबीर हो गए या आपके सिंगा जी हो गए, ये लोग क्या है? निर्गुण भक्ति की बात करते हैं, कि जो भगवान हमको दिख रहा है उनका कोई आकार नहीं, कोई उनका रूप आपको नहीं है। जबकि सगुण भक्ति क्या बोलती है? कि भगवान का आकार है। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, जिसमें स्पेशली जैसे तुलसीदास हो गए, तो तुलसीदास राम भक्ति शाखा को बिलोंग करते हैं, कि वो राम के भजन आपको गाते हैं।
मीराबाई जो है वो कृष्ण के भजन आपको गाती है। तो उनका एक डिस्क्रिप्शन है कि भगवान ऐसे दिखते हैं, जो भी हमारे घर में भगवानों की फोटो लगे हैं है ना, तो बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में आपको जो भी हमारे फोटो लगे, आप एमपी में देख लो, नॉर्थ में देख लो, आप साउथ में देख लो, साउथ के भगवानों की फोटोज अलग है, साउथ के भगवानों का रंग रूप अलग है, वहां के भगवान थोड़ा सा कलर में डार्क कॉम्प्लेक्शन है, जबकि नॉर्थ के अंदर आपको गोरे भगवान मिलेंगे। तो जैसा इंसान होगा वैसे ही उन्होंने भगवान को यहाँ पर आपको बिलीव, यहाँ पर आपको जैसा उन्होंने यहाँ पर आपको कर लिया, ठीक है। चलिए, तो ये सगुण भक्ति हो गई। तो भगवान का जो एक सगुण आकार है, एक आकार है, उसमें बिलीव करते, जबकि निर्गुण भक्ति क्या बोलती है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निरंकार आपको, निरंकार, निरंकार मतलब द फॉर्मलेस। इसके बारे में हम जब शंकराचार्य या फिर आपको तुलसीदास वगैरह के बारे में बात करेंगे, इसको मैं वो डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी हमारा मेन कंसेप्ट यहाँ पर आपको है। तो जैनिज्म बुद्धिज्म एक तरह से नॉन थीस्टिक रिलीजन हो गया। फिर एक और तरह का रिलीजन डिविजन आपको होता है, उसको बोलते हैं पैगम्बर रिलीजन, पैगम्बर रिलीजन और नॉन पैगम्बर रिलीजन, या पैगम्बर धर्म बोला जाता है। तो जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, फिर इस्लाम, जुडाइज्म, ये सब क्या है, पैगंबर रिलीजन है। पैगंबर मतलब ये नहीं कि पैगंबर मोहम्मद से संबंधित है, पैगंबर का मतलब जो पैगाम लेके आया है। तो इन तमाम रिलीजन जैसे जैन अब इस्लाम देख लो, तो इस्लाम में भी पैगंबर मोहम्मद मैसेज लेके आए थे, किसका, अल्लाह का, या जीसस क्राइस्ट है, उनका भी सेम काम था। जैनिज्म बुद्धिज्म में भी एक तरीके से ये लोग एक मैसेज लेके आए, संदेश लेके आए हैं। तो जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, या आपका जुडाइज्म, यहूदी धर्म आपको हो गया, या आपका इस्लाम हो गया, तो ये सब संदेश लेके आए हैं। बिल्कुल सिख भी बोल सकते हो, तो सिख के अंदर गुरु वाला कंसेप्ट है। अब कुछ धर्म ऐसे हैं जो भगवान में बिलीव नहीं करते, गुरु में विश्वास करते, तो सिख का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको अलग है, लेकिन सिख धर्म को भी आप पैगंबर बोल सकते हैं, क्योंकि वो रब का संदेश लेके आए हैं, है ना, जो गुरु नानक देव जी हैं, तो वो एक मैसेज लेके आए कि अच्छा, ऐसा आपको करना है, यहाँ पे ये चीजें हैं। तो ये पैगंबर रिलीजन हो गया। हिंदुइज्म जो रिलीजन है, इट्स नॉट अ पैगंबर रिलीजन। जितने भी रिलीजन है, जैसे हिंदुइज्म हो गया, ये इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, इनके अंदर क्या होता है, एक होली बुक होती है, और उस होली बुक के अंदर एक किताब होती है, एक पवित्र किताब होती है, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, या वो आपके कोई भी और ऐसी किताब यहाँ पर आपको हो, तो इन किताबों के अंदर एक मैसेज लिखा है कि व्हाट यू हैव टू डू, कि आपको क्या करना है। तो आपको संदेश दिया जाता है कि आपको ये चीजें करना है, ये मैसेज, ये जो भी होता है कि आपको ये करना है। तो आपके डू और डोंट्स है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो उस पवित्र किताब में आपको लिखा हुआ है। तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, उनके संदेश के हिसाब से, उनके मैसेज के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जबकि हिंदुइज्म जैसे जो कंसेप्ट है, वहां पर उल्टी चीजें हैं। हिंदुइज्म के अंदर वी हैव द स्टोरीज, है ना, या वी हैव द स्टोरी ऑफ द राम, वी हैव द स्टोरी ऑफ कृष्ण की, या वी हैव द स्टोरी ऑफ परशुराम, या अवतारवाद जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अवतारवाद की फिलोसॉफी आपको है कि एक कोई अवतार पृथ्वी पे आए और उन्होंने आपको बताया कि ये चीजें करना है, ये चीजें आपको करना है, ठीक है। चलिए, निकिता एक अलग बात हो जाती है, ठीक है। तो वो एक संदेश भगवान ने दिया है, जो महाभारत में ही संदेश उन्होंने आपको दिया है। हाँ, इसके ऊपर मैं आऊंगा फिर, है ना। तो वो वहां पर उन्होंने संदेश दिया है, तो वो एक तरीके से क्या है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब वहां पर भी स्टोरीज हैं कि भगवान कृष्ण ने ऐसा किया तो उनको ये सजा मिली, या भगवान राम जो है उनकी ऐसे मृत्यु हो गई, या भगवान राम वहां पे गए तो उनको ये सजा मिली। तो जो भी इस प्रकार की चीजें हैं, ये क्या मैसेज आपको दिया जाता है कि एक स्टोरीज होती हैं, कहानियां होती हैं, या मोरल स्टोरीज होती है, और आपको बताया जाता है कि अच्छा, ऐसा हुआ था इसके कारण इसको ये सजा मिल गई, इसको वो सजा यहाँ पर आपको मिल गई, तो उसके कारण क्या होगा, उसमें उस व्यक्ति ने जो भी कर्म आपको किया है उसके हिसाब से उसको सजा मिलेगी, या जो भी उसके कर्म है तो कर्म के हिसाब से सजा मिलेगी। स्पेशली जब से गीता का कंसेप्ट आया है, या गीता जब जब गीता लोगों ने पढ़ना शुरू की, तो गीता के बाद लोगों ने कर्म के अंदर बिलीव करना शुरू किया। मतलब कर्म पहले से था, हमारे वेदों के अंदर भी कर्म था, लेकिन वो धीरे धीरे चीजें यहाँ पर आपको पीछे जहाँ पर आपको छूटती गई, ठीक है। अब देखो, ये सब पूरी स्टोरी बताने का रीजन आपको क्या है कि आप आगे जाके जैनिज्म, बुद्धिज्म, शंकराचार्य, या तुलसीदास, या आपके कबीर वगैरह है, इन सबकी फिलोसॉफी को समझ सको कि बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर आपको क्या है। अब देखो, हिंदुस्तान में क्या हुआ, हिंदुस्तान में तमाम जो क्रिश्चियनिटी वगैरह है या इस्लाम वगैरह, ये तो बहुत लेट है, बहुत लेटर रिलीजन आपको है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए इनिशियली, तो दुनिया में सबसे पहले वेद आपको लिखे गए, सबसे ओल्डेस्ट किताब है, और इन वेदों के अंदर जो सनातन धर्म जिसको हम लोग आज के टाइम पर आपको बोलते हैं, है ना, तो उस सनातन धर्म का जो बेसिस है, वो बेसिस यहाँ पर आपको प्रिपेयर हुआ, उसके बारे में चीजें, वेद लिखे गए, वेदों के अंदर कई सारी ऋचाएं लिखी गई, और ऋचाओं के माध्यम से चीजों को आपको बताया गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वेदों को पढ़ने वाले ब्राह्मण, जैसे हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि वेद लिखे गए और वेदों को पढ़ने वाले कुछ ब्राह्मण आपको होते हैं, वो ब्राह्मण उनको पढ़ते हैं। अब वो क्या हो गया कि वेद के अंदर से ही अगर आप माने, हम लोग अभी हम ये मान लेते हैं कि वेदों के माध्यम से ही जो जाति प्रथा है, या जो वर्ण व्यवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहीं से कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। वर्ण व्यवस्था मतलब द वर्ण सिस्टम, की सबका वर्ण अलग अलग है, कई लोग वर्ण के अलग अलग मतलब निकालते हैं, वर्ण का मतलब कि कलर हो गया,
कि भाई तुम्हारा कलर ऐसा है या वो ऐसा है, बट एक्चुअली उसका मतलब वो नहीं होता। वर्ण सिस्टम मतलब जो जैसा कर्म कर रहा है, जो जैसी जिसके पास जो एबिलिटी है, जिसके पास जो क्षमता है, वो वैसे ही काम आपको करेगा, तो वो वर्ण सिस्टम आपको हो गया। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि जब इतिहास आगे बढ़ा, जब हम लोग ये वेद लिखे गए, तो वेद लिखने के बाद जब हम लोग तकरीबन थर्ड फोर्थ सेंचुरी तक यहाँ पर आपको आए, या हम लोग चौथी शताब्दी तक यहाँ पर आपको आए, तो वहां तक आते आते क्या हुआ कि ब्राह्मणवाद का डेवलपमेंट हो गया, ब्राह्मणवाद ब्राह्मणिज्म का डेवलपमेंट आपको हो गया, या उसके अंदर ये हो गया कोई भी कर्म है तो ब्राह्मण आपको करेगा। सो द ब्राह्मण वॉज सुप्रीम, तो ब्राह्मण चीजें करेगा, एक क्षत्रिय के लिए पूजा भी ब्राह्मण करेगा, बाकी लोगों के लिए ब्राह्मण आपको करेगा, या बोल सकते हैं कि जो कर्मकांड है, कर्मकांड जो है वो कर्मकांड धीरे धीरे यहाँ पर आपको बढ़ने लग गया। अब कर्मकांड बढ़ने के कारण क्या हुआ, द पर्सन बिकम द कार्मिक, कार्मिक मैटर आपको हो गया ना, क्या आपकी जो आत्मा है वो कार्मिक हो गई। आत्मा मतलब क्या, तो सोल। अब सोल क्या है, आत्मा क्या है, तो थोड़ा आपको समय लगेगा समझने में, बट एक बार कंसेप्ट समझ में आएगा आपको बता देंगे। अब हिंदुज्म का जो बेसिक कंसेप्ट है, वो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर आपको ये है कि देयर इज अ थ्री थिंग, तीन चीजें यहाँ पर आपको है। एक है द द गॉड, या बोल सकते हैं कि आप इसको बोल सकते हैं कि ब्राह्मण है, ब्रह्म है, ब्रह्मण। देयर इज टू डिफरेंट थिंग, ब्राह्मण एंड ब्राह्मण। तो ब्राह्मण मतलब जिसने पूरी दुनिया बनाई है वो ब्राह्मण आपको हो गया, ब्राह्मण जो उसको फॉलो करता है वो ब्राह्मण आपको हो गया। तो एक चीज ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, दूसरी चीज है आत्मन या आत्मा बोल सकते हैं, ठीक है, तो ब्राह्मण, और तीसरी चीज है जगत। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें, आप अगर क्रिश्चियनिटी भी देखोगे तो वहां पे ट्रिनिटी की बात आपको होगी। तो दिस इज थ्री थिंग, तीन चीजें होगी, क्या क्या, एक ब्रह्म होगा, एक आत्मा होगी, और एक जगत यहाँ पर आपको होगा। जगत मतलब ये संसार में हमें, ये हमारा जो ये दुखी दुनिया जो हमारे सामने है, ये क्या है, जगत है। जगत मतलब, तो शंकराचार्य ने बोला कि जगत मिथ्या, कि जगत क्या है, मिथ्या है, वर्ड इज फॉल्स, ये सब जगत मिथ्या है, ये सब क्या है, मिथ है, ये सब नकली है, माया है यहाँ पर आपको है। तो उन्होंने जगत मिथ्या की यहाँ पर आपको बात की है ना, तो उन्होंने बोला कि जगत जो है वो जगत मिथ्या है एंड ब्रह्म सत्या, तो ब्रह्म जो है वो सत्य है और जगत मिथ्या है। तो अगर अभी के समय पर हम लोग देखें तो धीरे धीरे दुनिया ब्रह्म आत्मा और जगत इन तीनों में डिवाइड हो गई। पूरी जो लड़ाई है किसकी, शंकराचार्य, जैनिज्म, बुद्धिज्म, कबीरदास, तुलसीदास, इन सबके बीच के जो बेसिक कंसेप्ट आपको आएंगे ये होगा कि ये ब्राह्मण आत्मन जगत, इनका पूरा कंसेप्ट आपको, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग बात करें कि आपका जो इस्लाम है, तो इस्लाम में आत्मा को माना ही नहीं जाता, इस्लाम में आत्मा का जो फंडा है, आत्मा का कोई फंडा यहाँ पर आपको नहीं है ना, आत्मा का, बट वहाँ पर रूह का कंसेप्ट है ना। सेम क्रिश्चियनिटी में भी आत्मा का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन उसके अंदर एविल पावर्स का कंसेप्ट आपको है। तो तीन चीजें हैं, ब्राह्मण, आत्मन और जगत, ये तीन बेसिक चीजें हैं। अब इन तीनों चीजों का रिलेशन कैसा है, इनका संबंध कैसा है, तो ब्राह्मण मतलब वही परमपिता परमेश्वर जो भी हो गया, जो भी आप जिसको भी आप मानते हैं। दूसरी आत्मा हो गई, आत्मा मतलब कौन, आप या मैं, तो एक इंडिविजुअल यहाँ पर आपको हो गया। जगत मतलब जो मायावी संसार है या जो भी जगत है उसमें हम लोग रहते हैं, और हर व्यक्ति ने इस जगत को अलग अलग तरीके से देखा है ना। इसको गौतम बुद्ध ने अलग देखा, महावीर स्वामी ने अलग देखा, शंकराचार्य ने अलग देखा, मध्वाचार्य ने अलग देखा, इसको इस्लाम ने अलग देखा, तो सब धर्मों ने इस जगत को अलग अलग देखा। उन्होंने बोला कि अब दिख तो रहा है सामने, तो इसमें नकली की क्या बात है यहाँ पर। लेकिन शंकराचार्य का बोलना था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जो ब्रह्म सत्य है और मिथ्या क्या है, जगत मिथ्या है, इट इज अ फॉल्स है ना। तो कार्मिक मैटर के अंदर आपको फंस गए, तो आत्मा क्या हो गई, कार्मिक हो गई, मतलब कर्म कांड में आपको फंस गई। तो ये जो ब्राह्मण आत्मन जगत वगैरह का जो पूरा कंसेप्ट था, अब सब लोग अलग अलग सिद्धांत दे रहे थे कि यार ये आत्मन ब्राह्मण की आत्मा की शांति के लिए ये करवा लो है ना, आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवा लो, आत्मा तो शांति नहीं हो रही, आत्मा जो है वो 64 योनियों के अंदर आपको जाती है, 64 योनिस के अंदर आपको रहती है, तो वो अपना जो शरीर है वो शरीर बदलती रहती है। अब आत्मा को मुक्ति कब मिलेगी, आत्मा को मिलेगा मोक्ष, तो मोक्ष का कंसेप्ट आप पाया है ना, मोक्ष का कंसेप्ट है। अब मोक्ष का मतलब क्या, ऐसा नहीं मोक्ष का कंसेप्ट कि मतलब जाके तुमने उनको जला दिया और जाके उनकी उनके नाम का पिंडदान कर दिया तो उनको मोक्ष यहाँ पर आपको मिल गया। मोक्ष का मतलब होता है कि जो रिबर्थ है, पुनर्जन्म होता है, तो तू गेट रीड ऑफ द रीबर्थ, पुनर्जन्म से जो मुक्ति है वही मोक्ष होता है। व्हाट इज द मोक्ष, टू गेट रीड ऑफ द रीबर्थ, पुनर्जन्म का जो चक्र है उससे मुक्ति है। जैसे हम लोग बुद्ध की बात करें तो बुद्ध की जातक की स्टोरीज आपने सुनी होगी, तो जातक जो कथाएं हैं वो क्या है, बुद्ध बनने के पहले की कहानियां हैं। वो बुद्ध बन गए मतलब उनकी आत्मा को क्या मिल गया, निर्वाण मिल गया, मोक्ष आपको मिल गया। तो मोक्ष का कंसेप्ट है, मोक्ष का कंसेप्ट अलग अलग जगह है। अगर हम लोग हिंदू धर्म में बात करें तो मोक्ष का कंसेप्ट है, हम लोग बुद्धिज्म में बात करें
तो बुद्धिज्म के अंदर भी आपको निर्वाण का कंसेप्ट आपको है, जैनिज्म में आएंगे तो कैवल्य का कंसेप्ट आपको है, कहीं ना कहीं इस्लाम के अंदर भी जन्नत का कंसेप्ट है ना, क्योंकि जो जन्नत की हम बात करते हैं या हम लोग तो हेल की बात करते हैं, प्योरिटी और हेल की बात करते हैं, वो कंसेप्ट इस्लाम में भी है कि ना जन्नत में जाएंगे, जन्नत में आपको मिलेगा, या स्वर्ग और नर्क वाला कंसेप्ट हो गया। तो इन तमाम चीजों से, स्वर्ग नर्क जितनी भी चीजें, या ये वर्ल्डली जो मैटर है या जो फिजिकल जो चीजें हैं, इस दुनिया से मुक्ति जो है वही मोक्ष है। मोक्ष मतलब आत्मा वापस जाके ब्रह्म में यहाँ पर आपको मिल गई है। अब ये जब मैं शंकराचार्य पढ़ाऊंगा तब इसके ऊपर मैं और डिटेल में बात करूंगा। तो ये एक तरीके से तीनों चीजें अलग अलग यहाँ पर, या हो सकता है एक भी हो, अलग अलग भी हो, एक दूसरे के अंदर मिक्स भी हो, आत्मा मरने के बाद ब्रह्म में मिक्स हो, ब्रह्म में जाके मिल गई, या आत्मा जो है ब्रह्म से कभी अलग ही यहाँ पर आपको नहीं हुई। तो इन तमाम कंसेप्ट को स्टार्टिंग में वेद या आपके पुराण है या फिर हिंदुज्म के स्टार्टिंग कंसेप्ट में यहाँ पर आपको देखा गया, सनातन धर्म के स्टार्टिंग कंसेप्ट में देखा गया। और इसके बीच में जब लोग उलझे तो द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट द्वैत, तमाम तरह, मतलब ये कंसेप्ट काफी बाद में आए, लेकिन फिर भी लोग उस समय भी इन चीजों के अंदर उलझे हुए थे, और उसके कारण यहाँ पर बुद्धिज्म जैसे धर्म जो है इनका यहाँ पर आपको जन्म हुआ। बुद्ध से पूछा किसी ने कि क्या भगवान है, तो बुद्ध बड़े चालाक थे, है ना, बड़े चालाक थे, मतलब कि वो किसी को आंसर देते नहीं थे इतनी आसानी से, है ना। अगर उनको लगता था कि व्यक्ति को आंसर देना चाहिए या सवाल अगर लेवल का है तो ही आंसर देते थे, अदरवाइज बोले हाँ ठीक है भाई, है ना, कोई बात नहीं। तो बुद्ध सवाल पूछने आता तो बुद्ध मुस्कुरा देते थे, तो सामने वाले को पहले तो लगता था कि बुद्ध को कुछ पता नहीं है, लेकिन बाद में समझ में आया लोगों को कि यार मेरा सवाल ही इडियट वाला है, तो बुद्ध ने जवाब ही यहाँ पर आपको नहीं दिया। तो एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, तो उन्होंने बुद्ध को बोला कि बुद्ध भगवान है, तो बुद्ध ने बोला यार तुमको क्या लगता है, तो उसने बोल दिया कि मुझे लगता नहीं है, तो उसने बोलता यार मुझे लगता है, तो बोला ठीक है, चला गया वो। अब जिसको बुद्ध ने बोला नहीं है, फिर हो गया, फिर एक व्यक्ति आया उससे पूछा कि क्या बुद्ध को बोलते हैं तथागत, कि तथागत क्या भगवान है, तो बोलते तुमको क्या लगता है, वो बोलता है कि यार मुझे लगता नहीं है, उसको बुद्ध ने बोल दिया है। फिर तीसरा व्यक्ति आया उसको उन्होंने पूछा कि भाई क्या बुद्ध भगवान है, तो बोले आपको क्या लगता है, बोले मुझे नहीं पता है या नहीं है, तो बोले यार तीनों को अलग अलग आंसर आपको दिया, एक को बोल दिया कि हाँ इधर है या नहीं भी है, तो यस और नो दोनों यहाँ पर आपको बोल दिया। अब आनंद सुन रहे थे, आनंद ने बोला कि यार क्या कर रहे हो ये, कोई आता किसी को क्या बोलते हो, किसी को क्या बोलते हो, ऐसे तुमको कोई मानेगा ही नहीं, ऐसे तुम बोलेंगे कि बुद्ध तो ऐसे ही, मतलब इनको खुद को नहीं पता। तो बुद्ध ने बोला कि मैंने तीनों को सर्च पे लगा दिया, जिसको मैंने बोला था नहीं है उसका बिलीव था है, तो मैंने उसको मैंने बोल दिया नहीं है तो भगवान की खोज में लग जाएगा कि यू हैव टू प्रूव कि है, जिसको मैंने बोला कि नहीं है वो ये प्रूव करने में लग जाएगा कि भगवान है, जिसको मैंने बोला कि पता नहीं है या नहीं है तो वो भी ये सर्च में लग जाएगा कि भगवान है या नहीं है। तो तीनों लोगों को मैंने ईश्वर की खोज में लगा दिया, भगवान की खोज में लगा दिया, कि तीनों लोग अपने दावे को गलत प्रूव करने की आपको कोशिश करेंगे। तो दिस इज द बुद्धा, जो लोगों को हमेशा इस प्रकार से नई चीजें सिखाने की कोशिश यहाँ पर आपको करते थे। अब जब बुद्ध आए और उन्होंने देखा कि यार तमाम चीजें जो है लोग इसके अंदर मायावी संसार के अंदर यहाँ पर आपको फैले हुए, उसके अंदर आपको जकड़े हुए हैं, तो उन लोगों को यहाँ से बाहर निकालने का काम जो है वो बुद्धिज्म ने यहाँ पे किया। बुद्धिज्म का कंसेप्ट बहुत सिंपल हुआ करता था एक टाइम पे, अभी धीरे धीरे बुद्धिज्म का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कॉम्प्लिकेट हो गया मतलब धीरे धीरे लोगों ने उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, अलग अलग महायान बुद्धिज्म, हीनयान बुद्धिज्म, थेरावाडा बुद्धिज्म, या ऐसे कई सारे अलग अलग फॉर्म्स उन्होंने बना दिए, बट हम लोग सिर्फ रियल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, वास्तविक कंसेप्ट जो बुद्धिज्म के अंदर यहाँ पर आपको दिया गया। अब देखो बुद्ध जो है कोई ऐसा नहीं था कि कोई ऐसी कोई शुरू से यहाँ पर आपको साधु थे, ही बिलोंग टू द रॉयल फैमिली, एक राज परिवार को यहाँ पर आपको बिलोंग करते थे, सिद्धार्थ गौतम या तथागत उनको कहा जाता था, एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे, और उनके पिताजी जो थे वो एक राजा हुआ करते, किंग यहाँ पे हुआ करते। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्म के टाइम पर ये हुआ कि जन्म के टाइम पर जब उन साधुओं को बुलाया उनके पिताजी ने कि भाई बच्चे का बताओ कि बच्चे का जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ। अब देखो उसमें हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा मैं, पहले बता दूं, तुम ये मत समझना कि हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा मैं, हम सिर्फ फिलोसॉफी की बात करेंगे, क्योंकि पूरा टॉपिक दर्शन के ऊपर, फिलोसॉफी के ऊपर आपको है। तो वो जब उनका जन्म हुआ तो लोग आए कि भाई बताओ क्या हो गया बच्चे को, तो कुछ बच्चों ने मतलब बच्चों को क्या सॉरी साधुओं को बुलाया, पंडितों को बुलाया कि भाई बताओ इनकी कुंडली बना के बताओ, तो लोगों ने आके कुंडली बताई। अब लोगों ने कुंडली बनाई और लोगों ने बोला कि इनकी दो गति है, इट इज ओनली टू वे पॉसिबल, कि राजयोग तो है ना, वो हर व्यक्ति के हाथ में राजयोग आपको होता है, तो दो चीजें यहाँ पर आपको है, या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या ये बहुत बड़ा साधु बनेगा, ओनली टू थिंग पॉसिबल, वन इज सम्राट एंड सेकंड इज कॉल्ड द साधु। अब इसमें एक छोटा ब्राह्मण था, तो एक छोटे ब्राह्मण ने बोला कि नहीं नहीं कोई सम्राट वम्राट नहीं बनेगा, साधु ही बनेगा, ना इसके नक्षत्र बोलते कि बहुत बड़ा साधु बनेगा, या तो कुछ लोग बोलते इतना बड़ा सम्राट बनेगा कि पूरी दुनिया को जीत लेगा,
या इतना बड़ा साधु बनेगा कि पूरी दुनिया को जीत लेगा। दोनों चीजें थी, तो दुनिया को जीतेगा या तो साधु बन के जीतेगा, सम्राट बन के जीतेगा। अब बोले उसका सॉल्यूशन आपको क्या है कि बोले ये बहुत दयावान है, इट्स वेरी कंपैशनेट, कंपैशनेट मतलब बहुत दयावान है, बहुत करुणामय यहाँ पर आपको है, तो इतना करुणामय है कि अगर एक पत्ता भी गिरते हुए जमीन से नीचे गिर देख लिया कि पत्ता भी पतझड़ के माध्यम से नीचे गिर के नीचे गिरा है, तो ये साधु बन जाएगा, ये मतलब सब कुछ छोड़ देगा यहाँ पे। तो पिताजी बड़े टेंशन में आ जाए, कैसे कैसे होगा यार, क्या करें। तो उनके पिताजी उनके लिए 3 महल बनाए, पहले तो शादी कर दी है ना, यशोदा उनकी पत्नी का नाम था, तो पहले तो यशोदा माता से इनकी शादी कर दी, और उसके बाद उनके लिए 3 महल बनाए, एक सर्दी के लिए, एक गर्मी के लिए, एक बरसात के लिए, और तीनों के अंदर उन्होंने इस प्रकार के पेड़ पौधे आपको लगाए जो पतझड़ कभी देख ही ना पाए। तो सर्दी के अंदर गर्मी के टाइम पर पतझड़ होता है, तो ऐसे उन्होंने पेड़ पौधे लगाए, या बोल सकते सदाबहार पेड़ आपको लगाए कि पेड़ का पत्ता कभी ना गिरे। तो पत्ता भी गिर गया नीचे, तो बोलेंगे पत्ता कैसे गिर गया, तो वो हो सकता है उनका मन बदल जाए। तो शादीवादी भी कर दी, बढ़िया ऐशो आराम वाली जिंदगी, बाहर की कोई दुनिया से कोई मतलब नहीं, बाहर क्या चल रहा है सुख दुख दुनिया में कोई उनको मतलब नहीं था, क्योंकि उनको दिखने नहीं दिया गया, एक आभासी दुनिया के अंदर, एक बोल सकते हैं कि एक वर्चुअल वर्ल्ड में उनको रखा गया कि बाहर कोई दुख दर्द है ही नहीं। तो इस प्रकार की जो कंसेप्ट है, इस प्रकार के कंसेप्ट में उनको रखा गया कि बाहर कोई दुख धर्म दर्द वगैरह कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसे ही बुद्ध बैठे थे, अब ये होता था कि बुद्ध जब बाहर जाते थे, बाहर भी जाएंगे तो ऐसा होगा नहीं घर में बैठे रहेंगे, तो जब भी बाहर जाते थे तो ये इंस्ट्रक्शन थे कि जब भी बुद्ध बाहर जा रहे हैं तो उस समय कोई भी बूढ़ा व्यक्ति, कोई भी बीमार व्यक्ति, कोई भी साधु सन्यासी हो गया, कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति बुद्ध के सामने ना आए। तो बुद्ध पूछ लेंगे भाई ये क्या है। तो बुद्ध जब भी बाहर जाते थे तो उनको ये होता था बुद्ध को कि यार सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल, या सब कुछ गुड गुड यहाँ पर आपको है, तो सब कुछ बढ़िया यहाँ पे, तो उनको लगता है कि सब कुछ बढ़िया है। तो उनको दुनिया का जो वास्तविक समस्या थी उसके बारे में पता नहीं था कि दुनिया में क्या दुख है, क्या दर्द है, उसके बारे में बुद्ध को कुछ नहीं पता था। एक दिन बुद्ध ऐसे ही बैठे थे, तो उनका जो जो छन्ना करके उनका वो होता राइडर था, उनका एक सारथी हुआ करता था, उसको उन्होंने बोला कि थोड़ा बाहर चलना है। तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं जा सकते राजा के परमिशन के बिना, बोले नहीं चलना पड़ेगा बाहर। तो वो बुद्ध बाहर गए विदाउट परमिशन, बिना विदाउट प्रिपरेशन, राजा ने तैयारी करके नहीं रखी थी कि सबको हटा दो वगैरह वगैरह करके। जैसे ही बुद्ध बाहर जाते हैं तो उनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता, बोले ये कौन है यार, बोले बूढ़ा व्यक्ति, बोले ये क्या होता है। तो बोले जब उम्र बढ़ जाती है तो व्यक्ति बूढ़ा यहाँ पर आपको हो जाता है, ओल्ड एज हो जाती है, कमजोर हो जाती है बॉडी। बोले अच्छा तुम भी बूढ़े हो जाओ, बोले हाँ मैं भी हूँ, बोले मैं, बोले हाँ आप भी बूढ़े हो जाओगे। बोले अच्छा। फिर एक बीमार व्यक्ति उनको दिखता है, तो बीमार व्यक्ति बोलता है ये क्या हो गया, बोले बीमार है, बोले ये क्या होता है, बोले इसकी तबीयत खराब हो गई वगैरह वगैरह, ये इसको कोई रोग हो गया यहाँ पे। तो बोले अच्छा मैं भी बीमार, बोले हाँ आप भी बीमार हो गए। फिर एक व्यक्ति की अंतिम यात्रा जा रही थी, बोले इसको क्या हो गया, बोले इसकी डेथ हो गई है। बोले हैं ये क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, बोले मृत्यु मतलब आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब वो व्यक्ति की डेथ हो गई, अब इसका अंतिम संस्कार करेंगे और ये दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। बोले अच्छा। फिर एक साधु उनको मिला, बोले ये कौन है, बोले इन्होंने पूरी दुनिया छोड़ रखी है, इन्होंने जो भी चीजें हैं वो सब छोड़ रखी है, इन्होंने सांसारिक मोह माया सब त्याग कर रखी है इन्होंने, और ये एक तरीके से ये अभी संन्यास आश्रम में आपको है। बोले अच्छा। ये चारों चीजें जब उन्होंने देखी तो उसके बाद बुद्ध को लगा कि यार मैं जो जी रहा था वो तो वास्तविक दुनिया थी नहीं, वो तो रियल लाइफ थी नहीं, मैं जो जी रहा वो तो कुछ अलग चीजें आपको थी, मतलब वो कहीं ना कहीं एक मिथ्या में जी रहे थे, एक वर्चुअल दुनिया में जी रहे थे। और उसके बाद बुद्ध जब वापस आए तो बड़ी चिंता में आपको आ गए, पिताजी को बात पता चल गई कि ऐसे ऐसे कुछ आपको हुआ है, पिताजी भी टेंशन में। एक दिन अचानक से चुपचाप बुद्ध घर छोड़ के आपको चले गए, है ना, घर छोड़ के निकल गए। फिर पिताजी ने कोशिश भी करी वापस लाने की लेकिन वापस नहीं ला पाए। तो यहाँ पे भी दो कंसेप्ट है कि कुछ लोग बोलते हैं कि बुद्ध की शादी नहीं हुई थी, कुछ लोग बोलते हैं कि बुद्ध की शादी हुई थी और उनका एक बेटा भी था, है ना, एक बच्चा भी यहाँ पर आपको था। तो वो दुनिया छोड़ के मतलब वो एक तरीके से सत्य की खोज में, या इन द सर्च ऑफ ट्रुथ, सत्य की खोज में यहाँ पर आपको निकल जाते हैं। अब निकल गए वो, अब उसके बाद हुआ क्या कि जब वो निकल गए उसके बाद उन्होंने कुछ अपने दोस्त, कुछ अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, कुछ शिष्य बनाए और शिष्य बना के उनको शिक्षा वगैरह देना है, थोड़ा बहुत बातचीत वगैरह करना शुरू कर दी ऐसे करके। और उसके बाद उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दी, अलग अलग गुरुओं से मिले, अलग अलग लोगों से मिले, और उन लोगों से मिलकर बोला कि चलो ठीक है तपस्या वगैरह या जो भी आराधना वगैरह तपस्या वगैरह वो करना शुरू कर दी, कि उनको सत्य की खोज थी कि व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया का वास्तविक सत्य क्या है। तो सत्य की खोज में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और लंबे समय तक मतलब तकरीबन 12 साल संघर्ष करने के बाद या लगातार तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, नॉलेज की प्राप्ति हुई, तो उनको बुद्ध बोला गया। बुद्ध मतलब जो एनलाइटेड है, एनलाइटेड मतलब जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो पर्सन इज कॉल्ड द एनलाइटेड। ये ज्ञान आपको प्राप्त हो गया तो वो एनलाइटेड आपको हो गया। एक बार बुद्ध ऐसे ही तपस्या कर रहे थे, अब एकदम कमजोर हो गए, ऐसे
कमजोर हो गए पूजा कर करके या आपके तपस्या करके, खाना वाना नहीं खाया। तो एक अम्मा आई उनके पास, उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कैसे तपस्या कर रहे हो, तुम अगर भूखे पेट रहोगे तो तुम तपस्या में मन कैसे लगा पाओगे। बोले हाँ सही बोल रही हो अम्मा, तो मैं कुछ खाने को लाई हूँ खा लो। तो वो रबड़ी लेके आई थी, रबड़ी उन्होंने खा ली। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने देख लिया कि यार क्या यार ये बेवकूफ बना रहा है, हमको बोल रहा है कि खाना मत खाओ, खुद ही खाना खा रहा है तपस्या करते हुए। तो वो उसके जो शिष्य वगैरह थे उनको छोड़ के चले गए कि यार ये तो ढोंगी बाबा है। तो बुद्ध को छोड़ के चले गए, फिर बुद्ध तपस्या करते रहे और उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनके पिताजी उनको बुलाते थे कि भाई आओ मतलब मिलने आ जाओ एक बार। तो उनके पिताजी को यह था कि यार ये अगर एक बार आ गया तो मैं इसको जाने नहीं दूंगा फिर से। तो पिताजी भेजते थे बुलाने के लिए कि चलो भेजा किसी को, कि कभी अनिल को भेजा कि जाओ बिठा उनको बुला के लाओ। तो उनको जाके बोलना कि पिताजी बुला रहे हैं। अब वो अनिल गया बुलाने, अब उन्होंने अनिल जैसे ही गया, अनिल जैसे ही उनके सामने गया तो वो भूल गया और बुद्ध ने उनको अपनी बातों में लगा दिया और अनिल को भी साधु बना लिया कि तुम भी आ जाओ, तुम भी बन जाओ। अजय गया उसको भी बैठा लिया, राजन गया उसको भी बैठा लिया, अभिषेक गया उसको भी बैठा लिया, है ना। ऐसे करके सबको उन्होंने एक एक करके सबको बिठा लिया। अब एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने बोला यार ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने एक अपने मंत्री को भेजा और मंत्री को भेज के बोला कि बुद्ध से बात मत करना, उनको जाके बोलना कि पापा बुला रहे हैं, पिताजी बुला रहे हैं। तो उसने जाके कुछ नहीं सुना, है ना। मतलब पहले लोग जाते थे बुद्ध को प्रणाम प्रणाम करते थे, फिर वो बुद्ध अपनी कथाएं सुनाते तो व्यक्ति परिवर्तित हो जाता, वहीं पे वहीं बैठ जाता। अब की बार जब उन्होंने सलोनी को भेजा और बोला कि जाओ उनको जाते से ही बोल देना कि पापा बुला रहे हैं। अब दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको उसने बोल दिया कि पापा बुला रहे हैं वो ना जाए, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। वो गए, उन्हें जैसे ही मंत्री ने बोला तो वो बुद्ध जैसे ही बोले मुस्कुराना वगैरह बाद में पापा बुला रहे हैं। अब बुद्ध ने बोला पापा बुला रहे हैं तो बड़ी बात है यार, तो बोले चलो ठीक है चलते हैं। तो पापा बुला रहे तो फिर पापा के बुलाने पर बुद्ध गए और उन्होंने पिताजी ने उनको समझाया कि ऐसा वैसा करके। तो अब वो तो बुद्ध हो चुके थे, ज्ञान प्राप्ति हो चुकी थी, तो बोला अब कंसेप्ट कोई मतलब नहीं है। बट उन्होंने बोला कि ठीक है अपनी पत्नी से यहाँ पर आपको मिल लो, है ना, अपनी वाइफ से मिल लो। अब वाइफ से मिलने गए यशोदा से, तो यशोदा से मिलने गए, अब क्या बोलेंगे, मतलब 12 साल पहले छोड़ के चले गए थे उनको, अभी क्या बोलेंगे उनको। तो दोनों एक दूसरे के पास सामने खड़े रहे और थोड़ी देर बाद ना यशोदा ने कुछ बोला ना इन्होंने कुछ बोला। मतलब उस समय की स्त्री थी, अभी की स्त्री होती कहाँ चले गए थे है? बिना बताए ये वो करके लड़ झगड़ लेती, उस समय की स्त्री थी। तो वो चुपचाप बैठी थी बेचारी, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं यहाँ पे। तो उसके बाद बुद्ध ने बोला माते भिक्षाम देही, बुद्ध ने इतना ही बोला माते भिक्षाम देही। एक किताब है यशोदा चरित्र करके, ये 12वीं के अंदर पढ़ी थी मैंने, 11वीं 12वीं में आपको थी। तो उन्होंने बोला भिक्षाम दी ही माते, तो उन्होंने भिक्षा दी और बुद्ध चले गए। पिताजी बोले यार मतलब नहीं है कुछ भी ऐसा करने से, तो वो यहाँ पर आपको चला। अभी वाले तो मानने लग जाए आपको डेयर ही हो, ठीक है। तो वो उस समय की बात आपको है। तो ये वो जाके बुद्ध यहाँ पर आपको बन गए, या उन्होंने एक तरह से जो ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर आपको कर ली और उसके बाद उन्होंने तमाम लोगों को निर्माण या ज्ञान यहाँ पर आपको सिखाना शुरू किया। इट्स कॉल्ड द बुद्ध या तथागत उनको कहा जाता, द एनलाइटेड वन, जिसको ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर आपको हुई है, जिसको नॉलेज की प्राप्ति आपको हुई, तो दैट इज कॉल्ड द बुद्ध या उसको बुद्ध आपको कहा जाता है। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या बुद्धिज्म के अंदर क्या बुद्ध धर्म के अंदर क्या धर्म के बारे में क्या बोला गया, what is the धर्म या what is the religion according to the Buddha। अब what is actually the धर्म जिसको हम बोलते हैं धर्म बोलते हैं। अब धर्म का मतलब क्या है, हम पढ़ते हैं ना उसमें वो सुनते हैं महाभारत का युद्ध, वो आता है महाभारत आती है तो वो बोलते हैं हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, भगवान राम भी धर्म के लिए लड़े। तो मतलब मतलब क्या है, तो धर्म का एक सिंपल सा जो इंडिया में कंसेप्ट आपको है या इंडियन कंसेप्ट जो है, धर्म का मतलब होता है एथिक्स, नीति शास्त्र। तो इंडिया के अंदर धर्म का एक्चुअल मीनिंग है एथिक्स। तो जैसे अगर देखा जाए तो महाभारत का युद्ध हुआ किसके बीच में हुआ, पांडव और कौरवों के बीच में हुआ। तो पांडव कौन थे, पांडव एथिकल लोग थे, एथिक्स के हिसाब से चल रहे थे। तो पांडव क्या हुए, पांडवाज आर द एथिकल पर्सन, वो धर्म के लिए थे। और जो कौरव कौन थे, वो अनएथिकल थे, वो एक तरीके से अधर्म के लिए उन्होंने यहाँ पर आपको काम किया। तो इस प्रकार से धर्म और अधर्म है, इस प्रकार से धर्म और अधर्म के अंदर इनका यहाँ पर आपको जो डिविजन है वो डिविजन यहाँ पर आपको हुआ, ठीक है। तो ये मेन अंतर जो है वो मेन अंतर इसके, हेलो, है ना। तो ये जो बेसिक अंतर इसके अंदर है, तो बेसिक अंतर यहाँ पर आपको होगा कि दिस इज धर्म एंड अधर्म। तो ये धर्म और अधर्म के बीच में जो अंतर है वो अंतर यहाँ पर आपको डेवलप हुआ। तो ये धर्म और अधर्म है, धर्म मतलब क्या, धर्म मतलब रिलीजन नहीं, धर्म मतलब नैतिकता क्या है या एथिक्स यहाँ पर आपको क्या है। एंड द सेकंड थिंग इज की व्हाट इज द नॉन एथिकल या अनएथिकल बोल सकते हैं, या अधर्म क्या है। तो जो गलत कर रहा है वो अधर्म हो गया। अब सही और गलत भी कौन तय करेगा, वो क्षेत्र तय करेगा। जैसे मैं एग्जांपल हमेशा एक देता हूँ कि पुतिन की गर्लफ्रेंड है, बोले हाँ ठीक है ना कोई बात नहीं, कहाँ पुतिन गए,
पुतिन की गर्लफ्रेंड है या बाइडेन की गर्लफ्रेंड है, हाँ इट्स वेरी कॉमन, उनके यहाँ होता है। हम अगर बोलेंगे ऐसा, मतलब मजाक में बोल रहा हूँ, कि मोदी जी की गर्लफ्रेंड है, तो बोलेगा ओ राहुल गांधी की गर्लफ्रेंड, ओ राहुल गांधी की गर्लफ्रेंड, ओ, इंडियन कंसेप्ट के हिसाब से मैच नहीं करेगा। करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इंडियन कंसेप्ट में अरे यार बच्चे लिए देखे वो उसके ऊपर पड़े हुए हैं यार, कि आपने थर्ड पढ़ाया तो मैंने फोर्थ लगा के आया और मेरा वो क्वेश्चन गलत करा दिया तुमने। आपने मेरा क्वेश्चन गलत करा दिया। वो मोह माया में है, ये मोह है, मेरा क्वेश्चन गलत कराया, मैंने गलत नहीं कराया भाई, उनको ही नहीं पता। अभी मेरे को एक बच्चे ने शेयर किया था, अरे एक बच्चे ने मेरे को शेयर किया था अभी 23 अप्रैल का, 23 अप्रैल को, 23rd of April 2023, इस दिन एक पोस्ट किया किसने, ये जनसंपर्क वालों ने, और पोस्ट क्या था कि क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश कोयले उत्पादन में तीसरे नंबर पे है। किसकी पोस्ट थी? जनसंपर्क की। और उन्होंने रिट्वीट किया था मिनिस्ट्री, जो डिपार्टमेंट ऑफ माइंस है उनको रिट्वीट किया था, एक बच्चे ने मुझे भेजा अभी, है ना। मैं मतलब 4-5 सबूत लेके बैठा हूँ, उन्होंने बोला मैं सबूत लेके बैठूंगा, मेरे पास 5 सबूत है, पुख्ता सबूत है कि एमपी की रैंक थर्ड है, तो तुम उसकी चिंता मत करो, है ना। मुझे भी एक लड़के ने शेयर किया आज, अब जिनका फोर्थ है वो फोर्थ प्रूव करने में लगे हैं, और मेरे पास वो तीसरे का सबूत है, मैं तीसरा प्रूव करके रहूंगा, तो वो तीसरा हो जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, वो करवा देंगे। मैं भी 1-2 दिन में फाइल करूंगा जैसे ही वो चालू होगा, है ना। चलिए तो हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, तो एथिक्स और नॉन एथिक्स की बात है, एथिकल और नॉन एथिकल की बात है, कि क्या एथिकल है और क्या नॉन एथिकल है। हाँ मोदी जी की गर्लफ्रेंड पे बात करें तो मोदी जी की गर्लफ्रेंड है, राहुल गांधी की गर्लफ्रेंड, बोले कैसे क्या कर रहे हैं मोदी जी, क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर ये कंसेप्ट थोड़ा नया नहीं है, या इंडिया के अंदर इसको थोड़ा सा सोशल सोसाइटी जो है उसको थोड़ा गलत मानती है। या हम लोग बात करते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी की, सेम सेक्स मैरिज को लेके, तो सेम सेक्स मैरिज को लेके हमारी सरकार ही खुद विरोध कर रही है, हमारी जो केंद्र सरकार है वो खुद इसका विरोध कर रही है कि सेम सेक्स मैरिज को भारत में अलाउ नहीं किया जाए, जबकि यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में सब सब जगह अलग हुआ है, सब जगह सेम सेक्स मैरिज आपको हुई। क्यों? क्यों? सोशल सिस्टम का कंसेप्ट है, सामाजिक जो ताना बाना है, सामाजिक जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको अलग है। तो ये एक चीज जो इंडिया के अंदर अनएथिकल है वो यूरोप में एथिकल हो गई, जो वहां पर एथिकल है यहाँ पर एथिकल है वो वहां पर जाके अनएथिकल यहाँ पर आपको हो गया। सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम, ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये मेन समस्या है कि धर्म के अंदर। अब धर्म की जो व्याख्या है उन्होंने यहाँ पर आपको की है, किसने? बुद्ध धर्म है यहाँ पे। अब बुद्ध धर्म में आपकी स्टोरी मैंने आपको बताई कि भाई कैसे आपको हुआ, तो बुद्ध धर्म ये है कि भगवान का जो एग्जिस्टेंस है उसको ना उन्होंने एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया। बुद्ध का बोलना कि भगवान है, बोले नहीं है, बोले नहीं है, बोले हाँ है, बोले पता नहीं है या नहीं, बोले हाँ मुझे भी नहीं पता है या नहीं है। तो उन्होंने भगवान के कंसेप्ट में हमेशा लोगों पे छोड़ दिया कि तुम यार तय कर लो कि भगवान है या नहीं है, इट इज अप टू यू। तो उन्होंने भगवान के एग्जिस्टेंस को लेके कोई क्लियर बात कभी नहीं की कि दिस एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और नॉट, ठीक है। बट उन्होंने बात की यहाँ पे कर्म के बारे में, कर्म के सिद्धांत के बारे में, कि दिस कंसेप्ट ऑफ द कर्म। तो उन्होंने बोला कि ये सब चीजें ना कि कर्म के ऊपर आपको बेस्ड है, कि आपके कर्म क्या यहाँ पर है, तो जो भी आप भोग रहे हो वो आपके कर्मों के ऊपर आपको बेस्ड है, कि जो भी आप उस समय दुनिया में आपको कर रहे हो, जो भी आपका अभी जो कंडीशन है, आपकी जो भी स्थिति है, वो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको है ना, कि जो भी आप जैसे कर्म करोगे वैसी चीजें होंगी, वही कर्मे, इट्स कॉल्ड द कर्मे फलाशु कदाचनम, तो वही कंसेप्ट आपको हो गया जो गीता में आपको दिया हुआ है, कि वही कि सब कुछ चीजें आपके कर्म के हिसाब से है। और कर्म के अंदर भी सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर आपको बोला कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ द अहिंसा, कि आपको अहिंसा का पालन यहाँ पर आपको करना है। उसके बोला आत्मा का क्या है, बोला आत्मा तो नहीं है, उनका बोलना था कि जैसे एक कंसेप्ट है चार्वाक का, तो चार्वाक बोलते हैं कि जब इंसान को जलाया जाता है तो सब कुछ जल जाता है, हड्डियां तक जल जाती है, कुछ कुछ हड्डियां आपको बचती है, तो इतना सब कुछ जल गया तो आत्मा मुई कौन सी चीज जो नहीं जलेगी, तो अकॉर्डिंग टू चार्वाक की आत्मा भी जल जाती है। और बुद्ध का भी यहाँ पर आपको मानना है कि देयर इज नथिंग लाइक द आत्मा, आत्मा जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, तो इंसान जो भी उलझा वो आत्मा के कंसेप्ट में उलझा है ना, इंसान को जलाया खेल खत्म हो गया, लेकिन नहीं नहीं इनका वो कर्मकांड करना है, उनको वहां जाना है, गया जी जाना है, फिर हमको कहाँ पर हमको उधर बनारस जाना है, वहां पर इनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ यहाँ पर आपको करना है, तो ये मान लगे कि नहीं उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करना है, तो ये क्या है।
व्यक्ति एक तरीके से कर्म के सिद्धांत में आपको फंस गया, ये व्यक्ति एक तरह से आत्मा के कंसेप्ट में आपको फंस गया। तो यहाँ पर यही बोला गया कि उनको बोला कि आत्मा नहीं है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, आत्मा को कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो बुद्ध ने हमेशा आत्मा के एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट किया और भगवान के एग्जिस्टेंस को ना उन्होंने एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया कि भगवान है या नहीं है मुझे नहीं पता भैया, तुम अपने हिसाब से आपको देख लो, तुमको जैसा ठीक लगता है वैसे यहाँ पर आपको कर लो। लेकिन उनकी एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी कंपैशन, ये हिंदी में हम लोग जिसको बोलेंगे दया या करुणा यहाँ पर आपको बोलेंगे। एक बार बुद्ध एक गाँव में गए तो उस गाँव में लोगों ने बोला कि देखो अभी जल्दी निकल जाओ इस गाँव से, या तो इस गाँव में रुक जाओ या निकल जाओ। बोले क्यों? बोले शाम जैसी होगी ना एक शेर आता है यहाँ पे और वो आदमखोर शेर है, वो जानवरों को इंसानों को खा जाता है। तो बोले ठीक है देख लेंगे यहाँ पे क्या होता है। तो उनको बोला कि महाराज निकल जाओ यहाँ से नहीं तो वो शेर खा जाएगा। बोले नहीं नहीं मैं तो यहीं रुकूंगा। कहाँ रुकोगे? बोले ऐसी पेड़ के नीचे रुकूंगा। तो एक पेड़ के नीचे बुद्ध यहाँ पर आपको रुक गए। लोगों ने मना किया कि शेर खा जाएगा क्या मतलब, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो रात को शेर आया और लोग देख रहे कि भाई ये महात्मा का क्या होगा। तो शेर जैसे ही आया तो शेर उनके सामने आके बैठ गया, है ना। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के चेहरे पे कंपैशन इतना करुणा इतनी थी कि वो शेर उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया, जबकि शेर वही धराशायी होकर बैठ गया वहां पे, शेर ही सरेंडर करके यहाँ पर आपको बैठ गया। एक स्टोरी अंगुली माल करके एक राक्षस की आपको है। तो अंगुली माल नाम का एक राक्षस था, वो अंगुली माल की दो तीन अलग अलग स्टोरीज यहाँ पर आपको चलती है ना। सब दो तीन स्टोरी आपको कुछ अलग पता होगी, मुझे कुछ अलग पता होगी, दो तीन स्टोरीज है। तो एक व्यक्ति था अंगुली माल, तो वो क्या करता था अंगुली माल की वो जो भी लोग होते थे उनको मारता था, उनको काटता था। अब मैंने जो स्टोरी पढ़ी है या मैंने जो स्टोरी, हाँ फिंगर वाला, तो वो क्या लोगों को मारता और उंगलियां काट के ऐसे लटका लेता। अब एक स्टोरी ये बोलती है कि भगवान जो अंगुली माल था, तो अंगुली माल की जो वाइफ थी वो एक राक्षसी थी, एक राक्षस से उसने शादी की थी। अब क्या होता है कि जो भी लोग वहां से निकलते तो वो उनसे पूछता कि मेरी पत्नी कैसी है, बोलता है यार राक्षस थी वो। तो बोलता बहुत बहुत बेकार है, बहुत बदसूरत आपको है, ऐसा वैसा करके। तो वो उसको पकड़ के उनकी उंगलियां काट के उनको मार देता या उनकी हत्या कर देता। ऐसी ऐसी स्टोरी फैल गई कि कोई भी गांव से अगर निकलेगा तो उसको वो मर जाएगा या उसकी वो लोग हत्या कर देंगे, ऐसा करके वो जो भी राक्षस वगैरह है वो अंगुली माल उसकी हत्या कर देगा। तो ऐसी करके वो फैल गई। अब जब गौतम बुद्ध निकल रहे थे तो उनको भी स्टोरी पता चली, तो पिछले गाँव के लोगों ने बताया कि मत जाओ इधर से, वो मार देगा तुमको। बोले कोई बात नहीं। तो वो निकल गए। अब दूसरे गांव में जैसे ही पहुंचे, दूसरे गांव के लोगों ने घेर लिया इनको कि तुम निकल के कैसे आ गए यहाँ से, राक्षस नहीं? बोले हाँ मिला था। तो बोले फिर कैसे बचे? बोले उसने पूछा मेरी पत्नी कैसी है, मैंने बोल दिया बड़ी सुंदर है, उसने मेरे को छोड़ दिया। बोले तुमने झूठ क्यों बोला? बोले झूठ नहीं बोला, है ना, उसकी जो उसका जो शरीर था, उसकी जो काया थी, वो काया तो कभी भी खत्म हो जाएगी, तो उसका जो व्यवहार था उसके व्यवहार के लिए मैंने आपको बोला कि नहीं ये तो अच्छी है यहाँ पर आपको है। तो एक इंसान के तौर पर या एक राक्षस के तौर पर अच्छी थी वो, तो उन्होंने उसकी तारीफ कर दी, उन्होंने छोड़ दिया। तो ये स्टोरी बताती है कि भगवान बुद्ध जो है वो कितने कंपैशनेट यहाँ पर आपको थे। एक राक्षस को भी उन्होंने बोल दिया कि हाँ अच्छी दिख रही है, सुंदर दिख रही है ना, तो उसने छोड़ दिया, उसको चला गया यहाँ पर। तो बुद्ध का ये बोलना था कि हमको क्या करना है, ह्यूमैनिटी या मानवता जो है, मानवता के बारे में बात करता है। यूरोपियन लोग बोलते हैं कि मानवता का कंसेप्ट या ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट तो रेनेसेंस आया, पुनः जागरण से 14वीं शताब्दी में आया, 14वीं 15वीं शताब्दी, लेकिन भारत के अंदर ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट पहले से यहाँ पर आपको था। बुद्ध ने बोला कि सभी लोग बराबर है, ईच एंड एवरी वन इज इक्वल। शुरू में उन्होंने थोड़ा सा ये किया कि जैसे बुद्ध जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुआ करते, जो साधु हुआ करते थे, तो उनके अंदर ये था कि महिलाएं अलाउ नहीं थी, वुमेन्स अलाउ नहीं थी। लेकिन बाद में जब उनके शिष्य आनंद हैं, उन्होंने भगवान बुद्ध को जब उनको थोड़ा कन्विंस किया, तो उन्होंने महिलाओं को भी दीक्षा देना आपको शुरू कर दी, या उनके जो आश्रम्स होते थे उनके अंदर महिलाओं को भी स्थान यहाँ पे दिया, वुमेन्स को भी आपको स्थान दे दिया। तो ये हो पाया जब उन्होंने आनंद यहाँ पर आपको बोला। तो पहले बुद्ध भी ये था कि नहीं महिलाओं को नहीं रखना है, महिलाएं डिस्ट्रैक्ट करती हैं वगैरह वगैरह करके, बाकी लोग जो हैं उनका डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर आपको होगा। लेकिन बाद में वो चीजें ऐसा नहीं हुआ कुछ भी, और बाद में भगवान जो बुद्ध हैं उन्होंने खुद ने अलाउ किया यहाँ पे कि महिलाएं उसके अंदर यहाँ पर आपको रह सकती है। तो वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने आगे जाके यहाँ पर आपको प्रूव किया। तो उनका बोलना था कि जो कर्म है या कर्म का या फिर अहिंसा जो है, दिस इज मेन टेनेट ऑफ द रिलीजन, की धर्म के मेन कंसेप्ट यहाँ पर आपको है, और जो भी व्यक्ति यहाँ पर रहेगा। अब क्या बोला जाता है कि तुम कर्म में फंस गए, कार्मिक मैटर, तो हमारी और आपकी जो आत्मा है वो क्या है, कार्मिक आत्मा है, जो कर्म के अंदर फंस गई है। अब जैनिज्म में क्या है कि एक कंसेप्ट अशव करके वहां पे, तो उसके अंदर बोला गया कि अगर आपकी आत्मा अगर कर्म में फंस गई है तो इन कर्मों को धो लो। जैसे हिंदुइज्म में कंसेप्ट है कि तुम कर्म धोने जा रहे हैं, बोले गंगा नहाने क्यों जा रहे हैं, बोले कर्मों से मुक्ति लेने। अब उनको ये नहीं पता कि वो जैसी वो डुबकी लगा के निकलेंगे तो दूसरों के कर्म उनके ऊपर चढ़ जाएंगे। हमारे इंदौर में तो कोई नर्मदा नहाने जाता होगा तो उसके कर्म वापस नल के माध्यम से वापस हमारे यहाँ आ जाते हैं। तो ये कंसेप्ट आया कि कार्मिक है, तो आप जाके आपने स्नान कर लिया तो आपके कर्म धुल गए, ऐसा थोड़ी होता है कि कर्म धुल गए। तो ये हो गया कंसेप्ट, हो गया कर्म धुल गए तुम्हारे, ये तुम्हारे जो पुराने कर्म थे वो माफ हो गए। तो ये कंसेप्ट जैनिज्म के अंदर भी है,
कर्म माफ हो गए, बट बुद्धिज्म ऐसा कंसेप्ट नहीं। उनका बोलना है कि जो भी वो यही है, जो भी होगा वो यही होगा, कि जो भी आपने किया है उसके उसका जो फल है वो आपको यही मिलेगा, और दूसरी दुनिया का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको नहीं है कि वॉट एवर जो ही ना जो बोलते हैं जो बोएगा वही पाएगा, है ना, जैसा फल बोगे वैसे ही काटोगे यहाँ पे, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको काम आता है कि जैसे तुमने कर्म किए हैं वैसा जो फल है वो तुमको यही मिलेगा, इसी दुनिया में यहाँ पर आपको मिलेगा, उसके लिए तुमको किसी दूसरी दुनिया में आपको स्वर्ग वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। तो बुद्धिज्म के अंदर स्वर्ग वगैरह का कंसेप्ट नहीं है, वो बहुत लेटर पीरियड में अमिताभ वगैरह की जब बात उन्होंने की तो बहुत बाद में अब वो स्वर्ग वाला कंसेप्ट आपको आया, अमिताभ वगैरह कंसेप्ट की वो स्वर्ग के बुद्ध हैं वगैरह वगैरह करके, बट एक्चुअल बुद्धिज्म में ऐसा कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने मेन कंसेप्ट काई पे रखा, उन्होंने मेन जो फोकस रखा वो रखा मॉरेलिटी के, नैतिकता के ऊपर, है ना। नैतिकता यहाँ पर आपको क्या है, या विचारों की शुद्धता के ऊपर, या उन्होंने आपके शब्द या आपके जो कर्म है उनकी शुद्धता पे आपको फोकस किया कि आप नैतिक होना चाहिए, आपके कर्म नैतिक होना चाहिए, आपके विचार नैतिक होना चाहिए, आपके आपकी भाषा, आपके शब्द, आपके कर्म, तमाम चीजें नैतिक होना चाहिए। तो उनका जो धर्म था वो नैतिकता का धर्म यहाँ पर आपको था, या द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, है ना। तो नैतिकता का यहाँ पर धर्म था कि आपको जो भी करना है नैतिकता के हिसाब से आपको करना है। अब उसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई जाति व्यवस्था का क्या, तो जाति व्यवस्था का तो उन्होंने चीरहरण कर दिया कि जाति व्यवस्था को मानना ही नहीं, हर धर्म का व्यक्ति मेरे धर्म में आपको आ सकता है ना। कि अब व्यक्ति को क्या चाहिए, व्यक्ति को मुक्ति चाहिए, उसको जो बुद्ध है उसको, हर व्यक्ति को बुद्ध यहाँ पर आपको बनना है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे आपको बढ़ना है, तो उसके लिए इनका सिंपल सा कंट्रैक्ट है, आपको किसी ब्राह्मण के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे जो मार्ग हैं, मेरे मार्गों पे यहाँ पर आपको चलो, मेरे रास्ते पे आपको चलो, उसके लिए उन्होंने आपके जो चार मार्ग हैं, या उसको बोलते चार अथवानी आपको है, तो चार उन्होंने नोबल ट्रुथ आपको दिए कि इन चार नोबल ट्रुथ पे चलो तुम दुनिया के अंदर आपको कभी तुमको समस्या नहीं आएगी, या तुमको एक तरीके से लाइफ में किसी प्रकार की कोई भी समस्या, किसी प्रकार का कोई भी जो इशू है वो नहीं होगा, या तुम्हारा जीवन आपको अच्छा चलेगा। तो मेरे जो चार रास्ते हैं, चार जो नोबल ट्रुथ है, उन चार नोबल ट्रुथ पे चलोगे तो तुम्हारा सब कुछ आपको अच्छा होगा। तो उस तरीके से उन्होंने चार अपने जो नोबल ट्रुथ है वो नोबल ट्रुथ उन्होंने दिए, ये सिद्धांत यहाँ पर आपको दिए, और वो सिद्धांत उन्होंने दिए उसके पहले उन्होंने बोला कि जो भी धर्म के अंदर जो शुद्धता है, अब धर्म के अंदर उन्होंने बताया कि देयर इज थ्री टाइप ऑफ द शुद्धता, तीन तरह की प्योरिटी होती है धर्म के अंदर। तो उनको बोलना कि धर्म के अंदर प्योरिटी या शुद्धता बनाना जरूरी, किस प्रकार की शुद्धता, तो तीन प्रकार की शुद्धता उन्होंने बताई। पहला बोला फिजिकल शुद्धता, शारीरिक शुद्धता, ठीक है। शारीरिक शुद्धता का मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति शरीर से शुद्ध है, उसने किसी की हत्या नहीं की, उसने चोरी नहीं की, उसने किसी को झूठ नहीं बोला, अपनी वाणी से या अपने अपने शरीर से, अपनी वाणी से किसी से भी किसी प्रकार का कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो वो फिजिकल प्योरिटी हो गई, वो शारीरिक शुद्धता हो गई। फिर एक मेंटल प्योरिटी है, मेंटल प्योरिटी मतलब मानसिक शुद्धता आपको हो गई। तो मानसिक शुद्धता का मतलब आपको क्या हो गया कि कोई भी व्यक्ति जो है मानसिक रूप से शुद्ध है, उसके विचार शुद्ध हैं, वो आलसी नहीं है, वो भोग विलासी नहीं है, कि वो व्यक्ति जो है भोग के पीछे नहीं भाग रहा है, तो वो मेंटल प्योरिटी, मानसिक शुद्धता है। तीसरा बोला प्योरिटी ऑफ स्पीच, आपकी भाषा की शुद्धता, कि व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, या व्यक्ति गॉसिपिंग नहीं करता, या आपके जो है वो किसी को गलत शब्द आपको यहाँ पर आपको नहीं बोलता, तो वो व्यक्ति क्या हो गया, वो व्यक्ति एक तरह शुद्ध यहाँ पर आपको हो गया, ठीक है। तो तीन तरह के कंसेप्ट होने, फिजिकल, मेंटल और प्योरिटी, आपकी स्पीच प्योरिटी, शारीरिक, उसके बाद बोल सकते हैं मानसिक, और भाषा की शुद्धता। तो तीन तरह की चीजें बताई, ये तीन चीजों के ऊपर ही धर्म बेस्ड है, रिलीजन इज बेस्ड ऑन दीज थ्री थिंग। तो ये तीनों चीजें आपको पहले क्लियर करना पड़ेगी, तभी यहाँ पर आपको धर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि उल्टा चीज होता है कि व्यक्ति धर्म को तो मानता है, पूजा पाठ कर रहा है, सब कुछ आपको कर रहा है, लेकिन गलत कर्म कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम पूजा पाठ कर लो, लेकिन तुम उसके बाद गलत कर्म करोगे तो उस गलत कर्म का तो नुकसान तो होगा ना, कि तुम वो बोलते हैं ना कंसेप्ट है कि सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वाली चीज होगी कि तुमने बहुत सारे पाप कर लिए, फिर बोला चलो जाके धो आते हैं गंगा में, तो गंगा धोने गए तो गंगा मैली आपको हो गई, है ना, कि गंगा मैली हो गई पापियों का पाप धोते धोते, है ना। तो ये जो होगा, तो उन्होंने बोला कि आपकी भाषा में, आपके कर्म में, आपके मानसिक शारीरिक और आपकी भाषा के अंदर जो शुद्धता है उसमें प्योरिटी होना चाहिए, दिस इज रिलीजन, ये धर्म है बुद्ध के अकॉर्डिंग। तो इन तीनों चीजों की जो शुद्धता है वो शुद्धता आपको होना चाहिए। उसके बाद बुद्ध ने चार प्रकार के नोबल ट्रुथ बताए। एक मिनट रुकना यार, एक मिनट रुकना। Thank you.
अब आएगा मजा। गद्दे वाली कुर्सी। चलिए, तो उन्होंने बोला कि जो चार जो नोबल ट्रुथ है उसे बोला चतवारी आर्य सत्यानी, जैसे चार नोबल ट्रुथ, फोर नोबल ट्रुथ। अब ये सिद्धांत उन्होंने जब यहाँ पर आपको बताया, तो चार कंसेप्ट उन्होंने दिए, चार सिद्धांत यहाँ पर आपको दिए। उन्होंने बोला कि दुख समुदाय है ना, निरोध प्रतिगामिनी, ऐसे करके उन्होंने कंसेप्ट यहाँ पर आपको दिया। उन्होंने बोला क्या है कि दुख मतलब जो भी इंसान अभी दुनिया में है, परेशान है, उसको समस्या है, तो उसका कारण क्या है। तो उसको बोला कि आपकी जो डिजायर है, आपकी जो इच्छा है, वही उस दुख का कारण है। अब ये क्या है, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो गया कि इनको त्याग दो। तो अब यहाँ पर एक चीज आपको आती है कि क्या बुद्ध धर्म जो है वो क्या, हिंदी में रख लूँ, ये लिखा तो है भाई हिंदी यार, दुख समुदाय निरोध अब बच्चा बोलेगा दुख का इंग्लिश बताओ, है ना, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है ना, दोनों में है। इतना थोड़ा वो आपको अलग अलग वर्ड फाइल मिल जाएगी, हर टॉपिक की वर्ड फाइल अलग अलग पूरी मिल जाएगी, चिंता मत करो। तो जैसे कल जो वर्ड फाइल दी थी ना, वैसी हर वर्ड फाइल हर यूनिट की मिल जाएगी, तो आपको अलग से उसके लिए परेशान होने की जरूरत, आप बस कंसेप्ट समझ लो, आप कंसेप्ट समझ लो, आपको हिंदी इंग्लिश सब अलग अलग सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो चार नोबेल ट्रूथ उन्होंने आपको दिए। तो उन्होंने बोला कि दुख समुदाय निरोध प्रतिगामिनी, तो दुख समुदाय निरोध और आपका अष्टांगी मार्ग। तो उन्होंने बोला कि भाई क्या हो गया कि लाइफ जो है इट इज फुल ऑफ सफरिंग, दुख यहाँ पर आपको क्या, दुनिया जीवन क्या है, जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है, जीवन क्या है, दुखों से भरा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने बोला किस प्रकार का दुख, तो मानसिक दुख, शारीरिक दुख, कई प्रकार की यहाँ पर आपको समस्या आपको लोगों को आपको होती है। तो उन्होंने बोला कि जीवन क्या है, दुखों से भरा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा कंसेप्ट उन्होंने दिया समुदाय, मतलब तो कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, कि दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है आपकी डिजायर, आपकी इच्छाएं, कि आपकी इच्छा ही आपके दुख का कारण है। इसका मतलब क्या, इच्छाएं ना करें क्या, आपकी कोई डिजायर है, कोई डिजायर यहाँ पर आपको नहीं रखें, तो ऐसा हो सकता है कि आप ये बोलोगे सर यार ये तो बड़ा नॉन मोटिवेटिंग यहाँ पर आपको है, तो ये तो मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा। कि हमारी आपकी डिजायर क्या है, कि आपको पीएससी का ऑफिसर बनना है, पीएससी क्रैक आपको करनी है। तो उन्होंने बोला आपकी सफरिंग का कारण क्या है, कि सफरिंग का कारण जो है डिजायर है, डिजायर क्या है कि हमको अधिकारी बनना है, ये डिजायर हो गई, ठीक है। तो कि तीसरा क्या हो गया कि अगर डिजायर है, अगर आपको ये दुख से अगर मुक्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दुख से अगर मुक्ति चाहिए तो डिजायर छोड़ दो, दुख से अगर मुक्ति चाहिए तो डिजायर छोड़ दो। तो ये बड़ा नॉन मोटिवेटिंग हो गया, बड़ा नेगेटिव रिलीजन हो गया कि यार क्या बोल रहे हैं ये, तो बोले छोड़ दो यहाँ पे ये बोल। तो उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला कि आपकी जो अननेसेसरी वॉन्ट्स हैं, अननेसेसरी आपके जो डिजायर्स हैं, इन डिजायर्स को आपको छोड़ दो। इंसान कई तरीके डिजायर लेके आपको बैठता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अगर किसी के पास अगर सिंपल वाला फोन आ गया तो उसको स्मार्टफोन चाहिए, स्मार्टफोन आ गया तो फिर उसको थोड़ा महंगा वाला फोन चाहिए, महंगा वाला आ गया तो फिर उसको आईफोन चाहिए, एक आईफोन आ गया तो दो आईफोन चाहिए, तो वो जो डिजायर है वो बढ़ती जाती है। तो बुद्ध ने इसके बारे में यहाँ पर आपको बात की कि आपकी लगातार जो डिजायर है, आपके लगातार जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं लगातार यहाँ पर आपको बढ़ती जाती है। तो आपको क्या करना है, इन इच्छाओं के ऊपर आपको कंट्रोल करना है ना। तो बुद्ध का बोलना क्या था कि जिंदगी के अंदर जो सफरिंग है या दुख है, वो तो दुख हमेशा यहाँ पर आपको रहेगा, है ना, ये दुख का खत्म नहीं होता है। तो इस टाइप का कंसेप्ट है कि लगातार ये चीजें चलती रहेगी, लगातार चीजें आगे बढ़ती रहेगी, जो दुख है वो दुख लगातार आपको होगा, और एक समय पे आपको जो दुख है उन दुखों को यहाँ पर आपको खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या है, उसके लिए आपको दुखों को खत्म करने के लिए आपके जो डिजायर्स हैं, आपके जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को खत्म यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो बुद्ध ने बोला कि इन सब चीजों का जो कारण है वो सफरिंग जो है, वो सफरिंग का कारण यहाँ पर आपको क्या है, आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छा यहाँ पर आपको है। अब जो दुख उन्होंने बताया, तो तीन तरह के दुख उन्होंने बताया। एक दुख उन्होंने बताया कि भाई ऑर्डिनरी सफरिंग है, मेंटल या फिजिकल कोई दर्द आपको हो गया, कोई किसी बात का बुरा लग गया, किसी प्रकार से कोई शारीरिक से आपको शारीरिक रूप से कोई हानि यहाँ पर आपको पहुंच गई, है ना, कोई मेंटल या फिजिकल नुकसान पहुंच गया, तो वो एक तरह का दुख हो गया कि पड़ोसी कार ले आया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, साला कार लेके आ गया, सुबह पत्थर मारता हूँ उसके कार पे,
है ना, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से आप मानसिक या शारीरिक रूप से आप बीमार हो गए, या मानसिक शारीरिक रूप से आप दुखी हो गए किसी भी चीज को लेके, किसी के सक्सेस को देख के, किसी और चीज को लेके आप परेशान यहाँ पर आप हो गए। फिर दूसरा यहाँ पर आपको बोलता है कि मतलब एक तो हो गया उसके कारण आप परेशान आपको हो गए, दूसरा यहाँ पर आपको हो गया कि आपके जीवन में कोई भी चीज आपको ठीक नहीं है, या जीवन में आपके जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, तो सम पीपल आर गेटिंग प्रॉब्लम ड्यू टू द चेंज, कि परिवर्तन से समस्या है यहाँ पर आपको, कि परिवर्तन हो रहा है तो व्यक्ति परिवर्तन से यहाँ पर आपको परेशान हो गया, या उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो कई बार व्यक्ति उस जो बदलाव है उस बदलाव से परेशान हो जाते हैं, कि नई चीज बदल रही है, नया कंसेप्ट आपको बदल रहा है, चीजें बदल रही है, तो परेशान हो जाएगा। नोट बदलाने में दिक्कत आएगी, 2000 का नोट, कि भाई ये है ना दुख का कारण क्या है, कि 2000 का नोट चलाना है, भी एक पड़ा 2000 का नोट चल ही नहीं रहा, तो मेरे पास भी पड़ा है, मैं नहीं चल रहा नोट, मैं मतलब पेट्रोल डलाने गया तो उसने मना कर दिया कि 2000 का नोट नहीं लेगी, मैंने क्यों नहीं लेगा भाई, तो अब समस्या होगी कि 2000 का नोट नहीं चला, तो ये क्या हो गया, तो ये बदलाव से समस्या आपको होगी। तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको कहीं बदलाव से इस प्रकार से जो समस्या है, इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई समस्या यहाँ पर आपको हो जाए, तो ये दूसरा कंसेप्ट उन्होंने यहाँ पर आपको दिया कि सफरिंग जो है या दुख जो है उसका कारण कुछ भी हो सकता है, कि चीजों में परिवर्तन या जो चेंज है उस चेंज के कारण यहाँ पर आपको हो सकता है। फिर तीसरा वो यहाँ पर आपको बोलता है द प्रॉब्लम ऑफ द दुख, दुख क्या है, तो द आई इज द दुख, है ना, कि क्या बोल सकते हैं कि द फेलियर टू रिकॉग्नाइज दैट नो आई स्टैंड अलोन, कि खुद से यहाँ पर आपको समस्या है। आई का कंसेप्ट या मे का कंसेप्ट हम लोग जब शंकराचार्य पढ़ेंगे ना तब हम लोग यहाँ पर आपको बात करेंगे, अहम ब्रह्मोस्मी। अब वो अहम ब्रह्मोस्मी ऐसा नहीं था जितना उसको नेगेटिव आपको देखा गया, उसको नेगेटिव कंसेप्ट में आपको लिखा लिया गया, उसके बारे में अलग से यहाँ पर आपको बात करूंगा। तो तीसरा यहाँ पर आपको बोलता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ आई, है ना, कि कोई भी व्यक्ति समुदाय में रहेगा वो इकट्ठा यहाँ पर आपको नहीं हो सकता, तो हर व्यक्ति की पहचान को लेकर समस्या यहाँ पर आपको है। तो तीसरा कंसेप्ट उन्होंने यहाँ पर आपको दिया दुख का, कि द सफरिंग प्रोड्यूस्ड बाय द फेलियर टू रिकॉग्नाइज नो आई स्टैंड अलोन, कि आई के कारण समस्या है, मैं के कारण आपको समस्या है। तो तीन प्रकार के जो दुख है, तीन प्रकार के दुख उन्होंने यहाँ पर बताया, इनको उन्होंने बोला कि दुख दुखांता, फिजिकल एंड मेंटल, दूसरा उन्होंने यहाँ पर आपको बोला विपरीमाना दुख, मतलब सफरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज, बदलाव के कारण, और तीसरा उन्होंने आपको शंकर दुख यहाँ पर आपको बोला, या संस्कार दुख, संसार दुख यहाँ पर आपको बोला, कि दुनिया के जो नियम है या परिवर्तन है उनके अंदर चेंज, या आई के रिकॉग्निशन नहीं होने के कारण, मे की व्यवस्था नहीं होने के कारण उसके कारण आपको डेन हुआ, कोई भी समस्या आपको हुई, तो फिजिकल और मेंटल चेंज वो हो गया, कि हाथ पांव दर्द कर रहे हैं, ये भाई साहब का अलग समस्या है ना, कि एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने आया हूँ, है ना, मरहम ना मिला मर गए हम, तो ये अपना क्या नाम है उसका, आतिफ असलम, आतिफ असलम नहीं, इट्स अरे अल्ताफ राजा, अल्ताफ राजा, तो अल्ताफ राजा यहाँ पर आपको हो गए, है ना, कि रात ही न सोई है, दिल भी तेरे प्यार में सोया है ना, या तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से लौट जाओगे, तो ये एकदम रोतलू एकदम ऐसे, तो ये अल्ताफ राजा टाइप लोग यहाँ पर आपको है, तो ये समस्या यहाँ पर आपको है। अब इनका सॉल्यूशन आपको क्या है, तो उन्होंने बोला कि द दुख, तो दुख कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो वो दुख उन्होंने बताया कि इस प्रकार के दुख हो सकते हैं, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। तो फर्स्ट दे हैव द कांसेप्ट ऑफ द दुख, कि दुख क्या है, तो पहले पता होना चाहिए कि दुख क्या है ना, मतलब वैसे दुखी है, क्यों दुखी हो भाई, कारण तो होगा कुछ, तो व्हाट इज द दुख वो पता होना चाहिए। तो ये तीन तरह के दुख उन्होंने बताया, कि दुख दुखता, या उसके बाद आपका वप्रीहान दुख, या फिर आपका संकर दुख, तो तीन प्रकार के दुख बताए, तीन प्रकार की समस्या उन्होंने बताई। उसके बाद उन्हें पांच एग्रीगेटर्स बताए, पांच कारण बताए जिनके कारण दुख हो सकता है, दुख के रीजन बताए उन्होंने कि दुख के कारण क्या है। एक उन्होंने बताया मैटर, रूप, रूप इज द समस्या। सेकंड उन्होंने बताया फीलिंग, वेदना, उसने उसको बोला कि द खंड लेकिन तुमको देख के मैं दुखी हूं, CPWD, अरे वाह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। तुम कुछ भी मत करो, तुम्हारा न करना ही बहुत बड़ा दुख है ना। कैसा क्या तुम्हारा पेपर, कितने नंबर आ रहे हैं, सगाई, सगाई से क्या है, डीएम में कहा है बताओगी, यही बताओ, पढ़ना वढ़ना है नहीं इनको,
चले तो अरे दीदी के 80+ आ जाए तो मैं गंगा नहा जाऊं। चलिए तो द मैटर या रूप यहाँ पर आपको हो गया कि वही पुराने स्टूडेंट है, वो आया था ना, वो सत्यम क्लास में, सत्यम, वो सौरभ, ये सुरभि, ये अपना ये अदिति, ये सब, वो इनको भगा दूंगा अपने क्लास से। ये सब सीनियर हो गए हैं, दे आर नॉट सीनियर, दे आर सीजन्ड, पढ़ते पढ़ते नहीं है ये। पढ़ते पढ़ते नहीं है ये, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है ना। तो उन्होंने बोला कि पांच एग्रीगेटर्स है, उसको बोला खंड, बोला गया उन्होंने कि पांच खंड हैं, तो पांच खंड हैं जिनके कारण जो है वो दुख यहाँ पर आपको क्रिएट हो रहा है, दुख के कारण उन्होंने बताया। पहला बोला मैटर, ये रूप, फीलिंग, वेदना, परसेप्शन, सन, मेंटल फॉर्मेशन, शंकर, फिर कंसाइजनेस या आपका विन विनन, उन्होंने बोला विनन। तो ये पांच चीजें उन्होंने बताया, रूप बताया कि रूप या मैटर है वो एक दुख का कारण है, फिर फीलिंग है, वेदना आपकी, कि आपकी फीलिंग्स या आपके जो बिहेवियर है वो आपके दुख का कारण है। फिर उन्होंने बोला परसेप्शन, योर परसेप्शन टूवर्ड्स एनी वन, इट्स कॉल्ड द द द सन, बोला गया परसेप्शन, जैसे मेरा परसेप्शन है इसके लिए कि ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती, ठीक है, तो ठंडा क्या मंगाओ, है ना। तो ये परसेप्शन आपको है, तो परसेप्शन या सन उसको बोला जाता है हिंदी के अंदर। परसेप्शन आपको हो गया कि किसी का परसेप्शन किसके लिए आपको क्या है, मेंटल फॉर्मेशन आपकी मानसिक सोच क्या है, या कंसाइजनेस या फिर आपका विनन हो गया। तो पांच चीजें हैं, पांच चीजें उन्होंने बताई, पांच एग्रीगेटर्स बताए जिनके कारण जो दुख है वो दुख यहाँ पर आपको क्रिएट होता है, दुख का यहाँ पर आपको जन्म होता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है आपकी डिजायर या आपकी इच्छा। मैटर, रूप मतलब कुछ भी जो भी आपको दिखाई दे रहा है, फॉर्म जो दिखाई दे रहा है कि आपको कोई सुंदर लड़की दिखाई दे रही है, आपको सुंदर आईफोन दिखाई दे रहा है, आपको सुंदर मोबाइल दिखाई दे रहा है, आपको सुंदर और कुछ चीज दिखाई दे रही है, तो मैटर हो गया। अब उसके चक्कर में फंस गए, कोई भी अट्रैक्टिव चीज उसके चक्कर में आप फंस गए कि यार ये अच्छा ही चाहिए अब, है ना, ये बत्ती लगा गया इसके पीछे आपको, तो वो मैटर हो गया, वो रूप आपको हो गया, है ना, जिसको आपके प्लेटो ने द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के अंदर आपको बताया है, उसने थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको दिया है, ठीक है। दूसरा उसने बोला कि जो सफरिंग है या दुख है, तो दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है डिजायर, इच्छाएं हैं, तो इच्छाएं जो है वो दुख का यहाँ पर आपको कारण है। मतलब क्या कि किसी भी चीज को पाने की कोशिश करना या किसी भी चीज को प्राप्त करने की कोशिश करना, ये क्या हो गया, ये आपका दुख यहाँ पर आपको हो गया, ये डिजायर आपको हो गई, आपकी इच्छाएं हो गई, तो आपके दुख का कारण क्या है, दुख का कारण जो है वो इच्छाएं यहाँ पर आपको, इसका मतलब ये थोड़ी कि इच्छाएं आप आपको समाप्त कर दो, कि कोई भी किसी भी चीज की क्रेविंग हो गई, है ना, किसी भी चीज की पाने की इच्छा यहाँ पर आपको हो गई, तो वो क्या हो गया, वो आपके दुख का कारण, वो नहीं मिलेगा तो आप परेशान हो जाओगे, है ना, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अरे बाप रे 60 क्वेश्चन ही सही हुए, है ना, बड़े परेशान हो गए सर, क्वेश्चन 60 ही क्वेश्चन सही हो पाए, 65 ही क्वेश्चन आपको सही हो पाए। सो दिस इज द डिजायर, ये आपकी डिजायर थी बनने की, लेकिन वो नहीं हो पाया, पहली एग्जाम नहीं निकल पाई, उसमें नंबर कम आपको आ गए, ये क्या हो गया। सो दिस इज द कॉज, दिस इज द रीजन कि डिजायर यहाँ पर, इच्छा यहाँ पर आपको है, तो यही इच्छा का ये कारण आपको, इसके कारण आपको समस्या होगी, उसके कारण आपको सफरिंग होगी, समस्या आपको होगी, तो ये एक मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर आपको। तो दुख का कारण क्या है, आपकी इच्छाएं जो है वो दुख का यहाँ पर आपको कारण हो गया, दुख का रीजन यहाँ पर आपको हो गया। बट उन्होंने बोला कि ये चीजें तो चलती रहेगी, इससे बाहर निकलना है, तो ये जो जो इच्छाओं का जो चक्र है, उस इच्छाओं के चक्र से यहाँ पर आपको बाहर निकलना है, और इसको उन्होंने बोला द्वादश निदान, इट्स कॉल्ड द द्वादश निदान, द्वादश मतलब 12, तो उसके 12 निदान उन्होंने बताया, उसके कारण बताया कि इसका कारण क्या है। तो ये जो जो दूसरा कंसेप्ट है ना, इसका उन्होंने कारण यहाँ पर आपको बताया, और उसका उन्होंने बताया कि देयर इज अ 12 निदान, निदान मतलब होता है कि उससे आप मुक्ति कैसे पा सकते हो, तो 12 निदान उन्होंने बताया। इसको बोला उन्होंने समुदाय, तो दुख समुदाय उन्होंने, दुख समुदाय निरोध प्रतिगामन, तो उसको उन्होंने समुदाय यहाँ पर आपको बोला, समुदाय मतलब आप इससे मुक्ति कैसे पा सकते हो, तो वो उन्होंने बताया। अब उन्होंने उसके लिए 12 चीजें बताई, एक बोला अविद्या, अविद्या एक कंसेप्ट बताया कि अविद्या के कारण कि व्यक्ति में विद्या नहीं है इसलिए इसके चक्कर में फंस गया, फिर संस्कार, चेतना, नाम रूप, फिर आपका षड्यातन, मतलब पांच ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, पांच इंद्रियां जो हमारे पास आपको होती है, 5 जो सेंसेस होते हैं, तो 5 सेंसेस उन्होंने बताया कि 5 प्रकार के सेंसेस, फिर स्पर्श इंद्रियां, है ना, तो 5 स्पर्श, तो इंद्रियां और उनसे संपर्क, वेदना,
मतलब वेदना आपकी जो भी आपकी जो इंद्रियां हैं उस वेदना को फील करती है ना। मैंने आपको किसी को मार दिया तो चोट लग गई उसको, तो वेदना हो गई। तृष्णा आपकी इच्छाएं है ना, आपका उपादान या आपके अस्तित्व का मोह, कि द एग्जिस्टेंस ऑफ आई। ये जरा टफ तो नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इन्होंने क्या करा है कि मतलब एथिक्स के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना वो थोड़े से ना टफ कर दिए आजकल। तो आजकल थोड़ा एथिक्स में बहुत सारी वो डिटेल चीजें पूछी जाती है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको डिटेल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो द प्रॉब्लम ऑफ आई, कि अस्तित्व की खोज, कि तुम कहीं गए और तुमको किसी ने पूछ लिया कि तुम कौन हो, तो तुम्हारा दिमाग खराब, मुझे नहीं पहचानता, मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ। तो द कंसेप्ट ऑफ आई है ना, कि मैं की समस्या, अस्तित्व का मोह, कि मेरा अगर अस्तित्व है तो हर व्यक्ति मुझे पहचाने कि मैं कौन हूँ, और किसी ने बोल दिया कि मैं नहीं पहुंचाता तो तुम्हारा खेल ही खत्म हो गया। एक वीडियो मैंने देखा था अनुपम खेर का, तो अनुपम खेर के जाते हैं इधर पहाड़ों के ऊपर कहीं गए थे उत्तराखंड वगैरह, तो वहां पर ऐसे घूम रहे थे बाहर, तो एक व्यक्ति को उन्होंने पूछ लिया कि मुझे जानते हो, उसने बोला नहीं, बोले मुझे नहीं जानते, बोले हाँ नहीं जानता, बोले सच में, बोले हाँ, तो बोले मैं अनुपम खेर, बोले अच्छा ठीक है। तो उनका दिमाग खराब हो गया, मतलब उन्होंने एक पॉजिटिव सेंस में उस वीडियो को डाला था, बट आजकल गायब है वो कहीं, पता नहीं कहाँ गए। तो उन्होंने उसको एक पॉजिटिव सेंस में आपको डाला था कि देखो मतलब जरूरी नहीं कि मुझे लगता है कि मुझे सब पहचानते हैं यहाँ पे, तो वो आई वाला कंसेप्ट आपको हो गया। एक स्टोरी मैंने सुनाई थी आपको शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य जब उन्होंने सब अपना कंसेप्ट वगैरह दिया अद्वैत का, उसके बाद उनको लगा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो एक बार वो ऐसे बनारस गए, तो सुबह सुबह जब पूजा करने बाहर निकले तो भगवान शिव ने बोला कि जो उनकी परीक्षा लेते हैं, तो भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने आपको आ गए। और भगवान शिव जब उनकी परीक्षा लेने आए तो वो एक वो बन गया, एक सफाई कर्मचारी बन गया है, सफाई वाला बन गया है, तो और जाके शंकराचार्य के सुबह सुबह खड़े हो गए उनके सामने। तो उन्होंने वो पूजा करने जा रहा है, ब्राह्मण एकदम साफ सुथरा होके एकदम नहा धो के, और सामने एक सफाई कर्मचारी खड़ा है यहाँ पे, तो बोला हट जा सामने से, है ना, मेरे सामने आ गया मूर्ख वगैरह ये वो करके। तो सफाई वाले भाई ने पूछा कि किसको हटाता है, मुझे या मेरे अंदर है उसको, वो बोल के वो चले गए, वो भगवान शंकर थे, बोल के चले गए। शंकराचार्य का दिमाग फिर गया, पहले तो उन्होंने सोचा बोले क्या बोल गया ये, किसे हटाता है, मुझे या मेरे अंदर है वो, तो अंदर क्या है, अंदर तो सब कुछ चीजें सेम है। तो वही अस्तित्व का मोह आपको हो गया, तो उपादान बोला जाता, भाव यानी अस्तित्व हो गया, जाति, आप किस जाति में जन्म हुआ है ना, यू आर वेरी दुखी कि आपकी जात जन्म जो है वो एक गरीब जाति में यहाँ पर आपको हुआ है। अब देखो ये भी अलग अलग कंसेप्ट है, अगर आप देखा जाए तो व्यक्ति की सोच के ऊपर डिपेंड है, कि अगर उस व्यक्ति को कोई जाति सूचक शब्दों से कोई उसको बोल रहा है, या उसको कोई ऐसे गलत भाषा में यहाँ पर आपको बोल रहा है, तो उसको दुखी होगा कि यार मुझे मतलब ऐसा उसने यहाँ पे बोल दिया। या अगर वो व्यक्ति ऊंची जाति में पैदा हुआ तो उसको खुश हो जाएगा कि मुझे ऐसा बोल के उन्होंने बुलाया, है ना, कि अरे एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि राजपूत इधर आ ऐसे करके, थी वॉज वेरी हैप्पी, अच्छा ऐसा बोला यहाँ पे। और वही व्यक्ति जब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाएगा। सेम उल्टा भी है, कि जिस व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से सूचित करा उसको दुखी होता है, उसी को जब रिजर्वेशन मिलेगा तो खुश हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये व्यक्ति के कंसेप्ट के ऊपर है, वो उसकी स्थिति के ऊपर डिपेंड है कि उसकी स्थिति क्या है, किस स्थिति में वो था, तो उसको फायदा मिला है नुकसान आपको मिला, तो दोनों चीजें यहाँ पर है। तो दोनों तरफ दुख हो गया कि उसको बोल दिया कि अरे चौधरी इधर आ, तो चौधरी जैसा चौड़ा होकर चला गया, फिर मालूम पड़ा कि अरे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, तो दुखी हो गया, पोस्ट डाल दी कि रिजर्वेशन नहीं मिल रहा फलाना डिमका। सो दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है? तो ये दुख का कारण यहाँ पर आपको है, कि जो आपके पास नहीं है वो नहीं होने का दुख ही समुदाय है ना। देखो ये और दुख आ गया है ना, ये दुख का खत्म नहीं होता अभी, तो यही दुख है, यही दुख है। और बुद्ध का जो दुख है वो यही दुख है, कि तुम्हारे पास है उसकी खुशी नहीं है, जो नहीं है उसकी प्रॉब्लम है, कि सर ये क्यों नहीं मेरे पास, मेरे पास मस्टैंग क्यों नहीं है, मेरे पास वैगन क्यों नहीं है, मेरे पास लिमोजिन क्यों नहीं है। यार अभी मैंने देखा एक किया की गाड़ी पे लिमोजिन लिखा था, क्या चक्कर है भाई, ऐसे कुछ अक्वायर वगैरह कर लिया क्या उन्होंने? तो यही दुख का कारण है, यही दुख है भाई, ये सामने आ गया देखो। सो इसी के बारे में बुद्ध यहां पर आपको बात करती है, इसी के बारे में बताया कि उनका बोलना समुदाय दुख समुदाय, ठीक है? तीसरा उन्होंने बोला कि दुख से निकलने का रास्ता है यहाँ पर आपको क्या है, दुख से निकलने का रास्ता है, तो दुख का निकलने का रास्ता है, हाँ हाँ उस पे वो लगा लो आईफोन का सिंबल, बस हो गया खेल खत्म,
खुश, ठीक है, तो दुख से निकलने का कारण। हाँ सही बोला। चलो, तो दुख से निकलने का एक रास्ता यहाँ पर आपको है, तो उन्होंने हाँ अच्छा तरीका है, दुख से निकलने का कारण यहाँ पर आपको बताया। उन्होंने बोला कि पहली चीज उन्होंने यहाँ पर आपको बोली कि इसका अंत करने का तरीका ये कि आप आपकी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को खत्म यहाँ पर आपको कर दो, या जो सफरिंग यहाँ पर निरोध की उन्होंने यहाँ पर आपको बात की कि उसका निरोध यहाँ पर आपको कर दो, कि हर व्यक्ति हमेशा असंतोष के अंदर यहाँ पर आपको रहेगा, या उसका जो भी चीजें यहाँ पर है तो ईगो सेंट्रिक चीजें रहेंगी, तो व्यक्ति उस दुख को समाप्त आपको कर दे, ठीक है, तो डिजायर्स जो हैं उन डिजायर्स को खत्म कर दें, डिजायर को एंड कर दें, तो दुख से भी यहाँ पर आपको बाहर आ जाएगा। तो डिजायर को एंड कर दिया तो दुख से भी यहाँ पर बाहर आ गया। दिस इज द वे ऑफ द वे आउट ऑफ द सफरिंग, कि आपको सफरिंग से दुख से निकलने का रास्ता यहाँ पर आपको है, जिसको उन्होंने निरोध यहाँ पर आपको बोला। अब उन्होंने बोला फिर क्या करना है, तो उन्होंने बोला कि अगर तुमको सही जीवन जीना है तो फिर क्या करें भाई, ये भी छोड़ दिया वो भी छोड़ दिया, आप क्या करें। उसका सही रास्ता उन्होंने बनाया कि एट नोबल फोल्ड, अष्टांगी मार्ग, तो आपको अष्टांगी मार्ग पे चलना है, या इसको मध्यम मार्ग भी बोला गया, तो आपको मध्यम मार्ग पे चलना है। मध्यम मार्ग के ऊपर मतलब कि ना बहुत ज्यादा रिच है ना पुअर है, ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बुरा, मध्यम मार्ग यहाँ पे हो गया, उसको अष्टांगी मार्ग या मध्यम मार्ग आपको बोला जाता है। तो उन्होंने एट फोल्ड पाथ या अष्टांगी मार्ग बताया, और अगर व्यक्ति अष्टांगी मार्ग पे चलेगा, आठ इन अष्टांगी मार्गों पे चलेगा, तो उन्होंने चौथा कंसेप्ट यहाँ पर आपको दिया कि तीनों जो प्रॉब्लम है उसका कारण क्या है, कारण बता दिया, और इससे बाहर निकलने का जो रास्ता है वो एट फोल्ड पाथ है या अष्टांगी मार्ग है। अगर आप अष्टांगी मार्ग पे चलोगे तो ये सभी समस्याएं यहाँ पर आपको दूर हो जाएगी। अब अष्टांगी मार्ग कैसा है कि ना तो आपको ऐसा साधु बनना है कि आप पूरे टाइम तपस्या करते रहो और एकदम कीकड़े से हो जाओ, पतले से आपको हो जाओ, ना तो ये करना है, ना एकदम लेविश लाइफ यहाँ पर आपको जीना है, तो ना बहुत लेविश लाइफ ना बहुत ज्यादा सिंपल लाइफ, तो इसके बीच का जो कंसेप्ट है, इसके मध्य का जो कंसेप्ट है, वही अष्टांगी मार्ग है, वही एट फोल्ड पाथ है। अष्टांगी मार्ग, तो ये अष्टांगी मार्ग या एट फोल्ड पाथ दी है कि अगर आपको दुख समुदाय निरोध जो है, दुख से अगर मुक्ति चाहिए, आपको अपनी डिजायर्स को एंड आपको करना है, तो आपको अष्टांगी मार्ग पर चलना पड़ेगा, और ये अष्टांगी मार्ग ही आपको इन चीजों से यहाँ पर आपको बाहर निकाल जाएंगे। अभी अष्टांगी मार्ग क्या है, आठ रास्ते उन्होंने बताए, राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसेंट्रेशन, राइट एफर्ट्स, राइट लाइवलीहुड। अष्टांगी मार्ग हिंदी में अगर बोले तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक प्रयास, या सम्यक जीविका। तो ये आठ सम्यक उन्होंने आठ रास्ते बताए, और इन आठ रास्तों पर चल के आप एक अच्छे जीवन को यहाँ पर आपको पा सकते हो। तो व्हाट इज द राइट व्यू, सम्यक ज्ञान दृष्टि क्या है, सम्यक दृष्टि का मतलब है टू बिलीव इन द चार आर्य सत्य, जो नोबल ट्रूथ है, तो कि आप नोबल ट्रूथ के अंदर, या जो चार आर्य सत्य मैंने आपको बताया, उन चार आर्य सत्यों में अगर विश्वास आपको रखते हो तो यही क्या है, यही सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि क्या है, राइट विजन क्या है, कि नोबल जो चार ट्रूथ मैंने बताए थे, उन चार ट्रूथ के अंदर या उनके अंदर विश्वास रखना, क्या दुख समुदाय है ना, निरोध और प्रतिगामिनी, या एटफोल्ड पाथ जिसको हम लोग बोलते हैं, ये चार के अंदर विश्वास करना, यही क्या है, रही राइट व्यू है, यही सही कंसेप्ट आपको है, दिस इज कॉल्ड द राइट व्यू। अब राइट रिजॉल्व क्या है, सम्यक संकल्प आपको क्या है, सम्यक संकल्प का मतलब आपका होता है कि आप अपने जीवन पे कंट्रोल करो, अपने अपनी डिजायर पे, अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर, अपने एटीट्यूड के ऊपर, उसके ऊपर कंट्रोल करो, दिस इज द राइट रिजॉल्व, यही सम्यक संकल्प है। क्या है सम्यक संकल्प, अपनी चीजों पे कंट्रोल यहाँ पे करना, नियंत्रण यहाँ पे करना। रिजॉल्व सम्यक संकल्प है कि गुस्सा नहीं करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, या दया करुणा यहाँ पर आपको रखेंगे, या लोगों के बीच में प्यार का प्यार यहाँ पर आपको बांटेंगे, कोई भी इस तरह कंपैशनेट आपको होंगे, तो दिस इज द राइट रिजॉल्व, यही सम्यक संकल्प आपको हो गया। तीसरा बोलता राइट स्पीच, सम्यक वाक, कि आपकी भाषा की शुद्धता हो, है ना, भाषा कैसी हो, शुद्ध भाषा यहाँ पर आपको हो, कि आपकी भाषा से किसी को कोई समस्या नहीं हो, आपकी भाषा से किसी का दिल ना दुखे, है ना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपको है कि आपकी भाषा से किसी को दुख ना हो या किसी को समस्या आपको नहीं हो, तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ये सम्यक वाक का कॉन्सेप्ट हो गया, कि आपके वाक या आपकी जो भाषा है वो भाषा यहाँ पर आपको शुद्ध है। चौथा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, राइट कंडक्ट, आपके जो कर्म है वो कर्म सही हो, तो सम्यक कर्म उन्होंने आपको बोला। सम्यक कर्म मतलब क्या हो गया, सम्यक कर्म मतलब आपके कर्म जो है नैतिक कर्म आप, और ये नैतिक कर्म उन्होंने पांच तरीके बताए, फाइव वे ऑफ द नैतिक कर्म, इट्स कॉल्ड द अहिंसा, जो पंच महाव्रत आपको बुद्धिज्म में जैनिज्म में दिए गए हैं, लगभग वही चीजें उन्होंने यहाँ पर आपको बताई, क्या कि भैया चोरी नहीं करना, नॉट स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, या आपके किसी की हत्या नहीं करना, तो एनिमल किलिंग नहीं करना,
उसके बाद कोई भी सेक्सुअल मिसबिहेवियर या मिसकंडक्ट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशे नशा नहीं करना। तो पांच चीजें उन्होंने यहाँ पर आपको बोली, क्या हत्या नहीं, अहिंसा, चोरी नहीं करना, नॉन स्टीलिंग, फिर यौन दुराचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और उसके बाद जो शराब है तो शराब नहीं पीना। तो पांच जो कंसेप्ट है, पांच कंसेप्ट उन्होंने बताया। तो इन पांच माध्यम से सम्यक कर्म बताया कि ये कर्म नहीं करना है, या चोरी या जो भी ये चीजें ये नहीं करना, ये उन्होंने सम्यक कर्म यहाँ पर आपको बताया, दिस इज कॉल्ड द सम्यक कर्म। फिर बोला सम्यक स्मृति, या सम्यक स्मृति उन्होंने आपको बोली। सम्यक स्मृति का मतलब क्या? सम्यक स्मृति का मतलब एक तरीके से कि आपकी क्या बोल सकते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, सम्यक स्मृति को, इट्स राइट माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस मतलब आपके जो विचार हैं, तो विचारों की यहाँ पर आपको शुद्धता हो, विचार यहाँ पर आपको शुद्ध हो, या विचार यहाँ पर आपको अच्छे हो, तो सम्यक स्मृति यहाँ पर आपको बोला गया है ना। सम्यक स्मृति मतलब क्या, कि जो भी आपके विचार हैं उनके अंदर थोड़ा पैशनेट आपके विचार हो, आप मतलब लोगों का सम्मान यहाँ पर आपको करें, या आपके विचारों के अंदर शुद्धता यहाँ पर आपको, तो ये राइट माइंडफुलनेस हो गया, सम्यक स्मृति आपको हो गई। फिर उन्होंने कंसेप्ट दिया सम्यक समाधि का। तो सम्यक समाधि में उन्होंने यहाँ पर आपको क्या बोला, सम्यक समाधि का मतलब आपको हो गया एक तरह से कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने माइंड से या अपने हार्ट से एक तरह से फोकस यहाँ पर आपको रहे, कंसंट्रेशन आपको है, इट्स सम्यक समाधि मतलब राइट कंसंट्रेशन, कि वो कंसंट्रेट करके आपको रहे, अपने विचारों को दूषित ना होने दे, गलत विचार या रॉन्ग जो विचार है वो आपके दिल में ना आए, आपके दिमाग ना आए। तो सम्यक समाधि है कि आपको इतना स्ट्रांग बनना है, इतना कंसंट्रेशन आपको करना है कि आपके जो विचार हैं वो विचार यहाँ पर आपको शुद्ध रहे, विचारों के अंदर शुद्धता रहे, इट्स कॉल्ड द सम्यक समाधि। फिर आया सम्यक प्रयास, सम द राइट एफर्ट। तो राइट एफर्ट में उन्होंने यहाँ पर आपको क्या बोला, कि उन्होंने बोला कि आपके जो भी विचार हैं उन विचारों को लगातार आपको कल्टीवेट करना है, आपके विचारों में अच्छे विचार यहाँ पर आपको लाना है, धीरे धीरे आपके दिमाग में अगर अच्छे विचार आते गए, अच्छे कंसेप्ट आपको आते गए, तो धीरे धीरे आप एक पॉजिटिव इंसान आपको बन जाओगे। तो एक तरीके से जो पैशन है या आपका जो अटेंशन है वो चीज आपको करना है, कि एक तरीके से आपको आपके दिमाग के अंदर अच्छे विचारों को यहाँ पर आपको उनको जगाना है, तो सम्यक प्रयास हो गया, उनको अच्छे प्रयासों को जगाने की कोशिश करना है। फिर सम्यक जीविका, ना ऐसी जीविका हो जो इन रास्तों के ऊपर यहाँ पर आपको चल रही हो, जो अष्टांगी मार्ग है उसके ऊपर जो जीविका है, कि किसी की हत्या नहीं करना, किसी को गलत नहीं बोलना, किसी को रॉन्ग नहीं बोलना, दिस इज कॉल्ड द राइट लाइवलीहुड, या सम्यक जीविका यहाँ पर आपको हो गई, कि व्यक्ति एक अच्छी जीविका यहाँ पर आपको जी रहा, जिसके ऐसी जीविका जो तो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा के, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का लॉस पहुंचा के, किसी का छीन के, गरीब का, उस तरीके से विकसित यहाँ पर आपको नहीं हुआ। तो ये अष्टांगी मार्ग उन्होंने दिए, आठ रास्ते उन्होंने बताए कि इन आठ रास्तों पर चलोगे, ये अष्टांगी मार्ग है, मध्यम मार्ग है, इन आठ रास्तों पर चलोगे तो जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी, एंड योर लाइफ बिकम मोर इजी, जीवन आपका और इजी और सिंपल यहाँ पर आपको हो जाएगा। तो ये अष्टांगी मार्ग के एट फोल्ड पाथ है वो उन्होंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कंसेप्ट दिया त्रिरत्न का कंसेप्ट, तो बुद्धिज्म के अंदर एक त्रिरत्न का कंसेप्ट आपको दिया। तो तीन रत्न जो बुद्धिज्म में बताए गए वो बुद्धिज्म कंसेप्ट है, बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है, तीन रत्न उसको कहा जाता है, थ्री ज्वेल ऑफ द बुद्धिज्म। जैनिज्म के थ्री ज्वेल अलग है, यहाँ के तीन जेम्स अलग है, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में दोनों चीजें अलग अलग है। तो तीन जेम्स या त्रिरत्न वो बताया, क्या, बुद्ध, धम्म और संघ। उन्होंने बोला बुद्धम धम्म शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, देयर इज अ थ्री रत्न। क्या सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है बुद्ध का, तो बुद्ध इज एनलाइटेड वन, जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है कि मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, आई हैव टेक रिफ्यूज ऑफ द बुद्धा। फिर दूसरा बोला कि मैं धम्म की शरण में, धम्म मतलब क्या, धर्म, अगर हिंदी में बोले तो धर्म और पाली में बोले तो धम्म हो गया, तो मैं धर्म की शरण में जा रहा हूँ, धम्मम शरणम गच्छामि, आई टेक रिफ्यूज ऑफ द धर्मा, कि मैं धर्म की शरण में आपको जा रहा हूँ। एंड थर्ड इज कॉल्ड द संघा, संघ, तो संघम शरणम गच्छामि, संघ मतलब क्या, संघ मतलब जहाँ पर जो बुद्ध साधु हैं वो लोग, जहाँ पर आपको रहते हैं, जहाँ पर उनका घर होता है, मतलब जो जिस स्ट्रक्चर में वो लोग रहते हैं, या मतलब जिस एटमोसफियर में वो लोग रहते हैं अगर बोला जाए, तो वो क्या होगा, वो संघ यहाँ पर आपको हो गया। एक मिनट, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द संघ, ये संघ बोला, तो संघम शरणम गच्छामि, तो जहां पर बुद्ध लोग या जो साधु लोग रहते हैं, मॉन्क्स रहते हैं, वो संघ हो गया, कि जो भी लोग बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट करते थे उन लोगों को संघ में रहना पड़ता था। तो संघ मतलब क्या हो गया, उनके अलग से उनके कोड यहाँ पर आपको नहीं थे, ठीक है, या अलग से उनके कुछ कोड्स हुआ करते थे कि इस प्रकार की चीजें आपको जीना है, या उनके जीवन का तरीका अलग होता था,
उनको भिक्षा मान के जीना है या उनको अपने बाल जो है एकदम वाइल्ड कर देना है, बाल नहीं रखना है, तो तमाम कंसेप्ट आपको होते थे उनके हिसाब से, उनको यहाँ पर आपको जीना है, तो उनका एक तरीके से संघ यहाँ पर आपको बन गया। तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन कंसेप्ट जो है, ये त्रिरत्न उन्होंने यहाँ पर आपको दिए, और ये त्रिरत्न जो है ये एक तरीके से एक ये सिंबल है, दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द सिंबल ऑफ त्रिरत्न। अब इसमें आप देखोगे तो ये सांची में है, तो सांची के अंदर इस प्रकार का त्रिरत्न आपको बना हुआ है। इसके अंदर बीच में देखोगे तो बीच में आपको लोटस दिख रहा है, ये वाला पार्ट, बीच में आपको लोटस यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक एक रॉड ये दिख रहा है आपको, एक डायमंड की रॉड इसके अंदर आपको है। तो उसके बाद एक अंड चक्र है, तो बाहर की तरफ आपको अंड चक्र है, और एक त्रिशूल बना हुआ है, दिस इज द त्रिशूल। ये त्रिशूल यहाँ पर आपको बना हुआ है जो वो बुद्ध, धम्म और संघ इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स कॉल्ड द बुद्ध, धम्म और संघ, है ना। जैसे सांची का जो स्तूप है, तो स्तूप इस कॉल्ड द त्रिमेधी स्तूप, तो वो उसी कंसेप्ट पे आपको बना है। ये भी जो त्रिशूल बना है तो बुद्ध, धम्म और संघ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बुद्ध धर्म के तीन इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हैं, ये तीन बेसिक चीजें जो होती हैं, इनको त्रिरत्न कहा जाता है। तीन कंसेप्ट यहाँ पर आपको दिए गए, ठीक है। तो बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। तो संघ इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे बताया था अभी कि संघ के अंदर महिलाओं को जाने की परमिशन नहीं थी, फिर बाद में संघ में महिलाओं को जाने की भी परमिशन आपको दी गई, तो बाद में महिलाएं संघ में जा सकती थी। पहले महिलाओं को संघ में जाने की परमिशन नहीं थी, उनका मानना था कि अगर महिलाएं आएंगी तो पुरुष भटक जाएंगे, या पुरुष जो है वो एक तरीके से, अगर क्या बोले आप हिंदी में, कि डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो उनका बोलना था कि इसलिए महिलाओं की एंट्री नहीं है। तो फिर बाद में जब आनंद ने समझाया उनको कि आप ही तो बोलते सब में एक ही सब चीजें हैं, तो महिलाओं को हम अलग कैसे रख सकते हैं, उनको मोक्ष क्यों नहीं मिल सकता, उनको कैवल्य क्यों नहीं मिल सकता, तो उसके बाद लेटर बुद्ध एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है, महिलाओं को अलाउ करते हैं, उन्हें अलाउ यहाँ पर आपको किया, ठीक है। अब एक बड़ा कंसेप्ट है कि सोल के बारे में या आत्मा के बारे में, तो आत्मा के बारे में क्या बोलते हैं इन स्ट्रेट वे कि हाँ, वो आत्मा के अंदर बिलीव नहीं करते, बुद्धिज्म में आत्मा का कोई कंसेप्ट यहाँ पर आपको नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आया था, एक मिनट, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि अभी आया था 2019 के मेंस, जो स्पेशल मेंस हुई थी ना, उसके अंदर कि केन द एनलाइटेड पाथ ऑफ बुद्धा बी द एथिकल गाइडेंस फॉर द सिविल सर्वेंट, क्या बुद्ध का अष्टांगी मार्ग, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो, क्या बुद्ध का अष्टांगी मार्ग लोक सेवकों के लिए लोक सेवकों के लिए नैतिक नैतिक मार्ग प्रशस्त करेगा, या करता है, नैतिक मार्ग प्रशस्त करता है। कैन द एट फोल्ड पाथ ऑफ द बुद्धा बी द एथिकल गाइड फॉर द सिविल सर्वेंट, है ना, सिविल सर्वेंट्स के लिए एक एथिकल रास्ता यहाँ पर आपको बताता है, एक वो मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है, और ये क्वेश्चन आपको लिखना है 100 वर्ड में, हाँ 6 में, 6 में, हाँ, 5 में लिख लेना, मतलब वही 50 वर्ड में लिख लेना, है ना। आप कंसेप्ट आप समझ गए कि कंसेप्ट क्या था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक वगैरह, पूरा कंसेप्ट आपको समझ गए। तो ये एक सिविल सर्वेंट पे कैसे लागू होगा, उसको आपको सोच के लिखना है, कल मैं बताऊंगा कि उसको कल लिख के लाना है उसको, है ना। द राइट विजन, द राइट संकल्प, राम सही वाक्य, वाक सही हो, कर्म सही हो, स्मृति सही हो, समाधि सही हो, प्रयास सही हो, जीविका सही हो, तो एक सिविल सर्वेंट को कैसे प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन आपको आया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे वो, तो ये आपको लिख के लाना है। ओके, चलिए, ओके। उसके बाद बुद्ध बात करते हैं अबाउट द सोल के बारे में, आत्मा के बारे में। तो आत्मा के बारे में उन्होंने यहाँ पर आपको बोला कि आत्मा में विश्वास यहाँ पर आपको क्यों नहीं करते, तो उसके लिए तो दो कंसेप्ट होती है, वन इज कॉल्ड द अनित्य एंड सेकेंड इज कॉल्ड द अनंत। तो अनिक और अनंत दो कंसेप्ट उन्होंने यहाँ पर आपको दिए। अब उनका बोलना था कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट यहाँ पर आपको नहीं है, तो उन्होंने दुख का कारण भी बताया कि चीजें लगातार बदलती रहती है, चीजें
आपको बदलती रहती है जीवन में, तब तमाम चीजें परिवर्तित आपको होती रही हैं। अब इतना परिवर्तन दुनिया में आपको हो रहा है, तो 100 ऐसी कौन सी चीज जो परिवर्तित आपको नहीं होगी। तो उन्होंने बोला अगर इतना सब कुछ बदल रहा है तो आत्मा भी यहाँ पर आपको बदल जाएगी। तो उन्होंने यहाँ पर आपको बोला कि नहीं, आत्मा जो है, आत्मा का कंसेप्ट यहाँ पर इट्स कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ द अनिक है, कि अनिक का मतलब होता है कि नथिंग इज परमानेंट, है ना, कुछ भी परमानेंट नहीं है। कि उसके बड़ा एक एक बहुत अच्छी सी वो चलती है कहानी, कि एक राजा की और उसके मंत्री की कहानी चलती है। कि एक राजा ने अपने मंत्री को बोला कि मुझे एक ऐसी बात बताओ जिससे मैं खुश भी हो जाऊं और दुखी भी हो जाऊं, दोनों चीजें साथ में हो जाए। तो ऐसा करके कहानी यहाँ पर आपको है। तो उन्होंने यही बोला कि नथिंग इज परमानेंट, कि कोई भी स्थायी यहाँ पर आपको नहीं है। आपकी खुशी, आपका दुख, कुछ भी जो है वो परमानेंट नहीं है, स्थायी आपको नहीं है, है ना। तो दुख का खत्म नहीं होता बे, तो कभी ना कभी दुख खत्म होगा, सुख आएगा, फिर सुख जाएगा, फिर दुख आएगा। तो सुख और दुख का जो चक्कर है वो लगातार चलता रहेगा, है ना। तो हाँ, वो लोगों ने फिर उसको बदल दिया ऐसा, हाँ ये वक्त तो गुजर जाएगा, वो बाद में लोगों ने अकबर बिरबल से जोड़ दिया, बट उनका कंसेप्ट ये है कि नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी स्थायी यहाँ पर आपको नहीं है ना। कभी भी वो कंसेप्ट उन्होंने यहाँ पर आपको दिया। तो ये चीजें जो है नॉन परमानेंट, आपको यही उन्होंने बोला, चार जो चार नोबल ट्रुथ हैं, उन चार नोबल ट्रुथ के अंदर कि नथिंग इज परमानेंट, सब चीजें चेंज हो जाएगी। बोले यार बहुत परेशान हूँ यार, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, भाई ठीक हो जाएगा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सो ईच एंड एवरीथिंग इज नॉट परमानेंट, है ना। इस दुनिया के अंदर कुछ भी स्थायी नहीं है, तो कुछ भी स्थायी नहीं है तो आत्मा स्थायी कैसे हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि जब खुद खुद ही बोल रहे हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है तो हाउ कैन द सोल कैन बी परमानेंट, तो आत्मा स्थायी कैसे हो सकती है। तो आत्मा स्थायी नहीं है, सब बदल रहा है, तो आत्मा भी यहाँ पर आपको बदलेगी। जीवन में जो भी चल रहा है वो स्थायी नहीं है, वो परिवर्तनशील है। तो कभी भी अगर आपके पास कुछ है तो उसके ऊपर कभी घमंड मत करना, कभी प्राउड मत करना कि मेरे पास ये है, आज है कल नहीं है, परसों फिर है, उसके अगले दिन फिर से नहीं होगा। तो वो चीजें आपको चलती रहेगी। एक चीज जो आपके साथ हमेशा आपको रहेगी वो होगी कर्म, आपके कर्म हमेशा आपके साथ रहेंगे। जो भी आप कर्म करोगे वो कर्म हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपसे चिपक के रहेंगे। तो जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। दिस इज अ वेरी फेयर कंसेप्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है। तो हाँ, तुम तो फकीर हो। तेरी लड़ाई बड़ी हो गई है, झूला उठा के चल दी तू। लड़ने का मूड नहीं है, वो लड़के आई है, बोला आज क्लास में चलते हैं, आज सर का दिमाग खाएंगे, आज सर से लड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये नथिंग इज परमानेंट, आपका कर्म यहाँ पर है। अगर आपने पढ़ाई की है तो कर्म अच्छे हैं तो नंबर अच्छे आ गए होंगे, नहीं तो फिर तुमको ही पता होगा कि कितनी पढ़ाई आपको की है। सो दिस इज अ कर्मा। तो उन्होंने बोला कि कुछ भी परमानेंट आपको नहीं है, उसको अनिक को उन्होंने बोला। तो कंसेप्ट ऑफ द अनिक, नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी स्थायी आपको नहीं है, आज है कल नहीं है, परसों फिर है, नरसों फिर से होगा, तरसों फिर से चला जाएगा, खरसों फिर से आ जाएगा। तो ये चीजें लगातार आपको चलती रहेंगी, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द अनेक। फिर दूसरा बोला उन्होंने अनंत, उनका बोलना था कि देयर इज नो परमानेंट सेल्फ और सोल, कि कोई भी जो आत्मा है वो कोई भी आत्मा यहाँ पर आपको परमानेंट आपको नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। उन्होंने आपको बोला कि कोई भी आत्मा या कोई भी चीज जो है वो परमानेंट आपको नहीं है, क्योंकि हर चीज बदलती रहती। तो अनंत का कंसेप्ट उन्होंने कि द थिंग इज आर अनंत, वो एक तरीके से ऊर्जा है यहाँ पर, तो वो ऊर्जा के रूप में आपको परिवर्तन यहाँ पर आपको हो जाएगा। तो उन्होंने एक्चुअली पुनर्जन्म को देखा ही नहीं, पुनर्जन्म के ऊपर बिलीव ही नहीं किया कि पुनर्जन्म नाम की कोई चीज आपको होती है। तो ही टोटली रिजेक्ट द पुनर्जन्म। तो उन्होंने बोला कि देयर इज अनंत यहाँ पर आपको हो गया। तो उनका बोला कि देयर इज नो परमानेंट सेल्फ और सोल, कि कोई भी चीज यहाँ पर स्थायी यहाँ पर आपको नहीं है। तो ये अनिक और अनंत के सिद्धांत से उन्होंने बोला कि अगर कुछ भी परमानेंट नहीं है तो आत्मा की क्या बिसात है कि आत्मा यहाँ पर आपको परमानेंट आपको होगी, वो स्थायी यहाँ पर आपको होगी। अब उसके बाद उनसे पूछा कि व्यक्ति डेथ के बाद, मृत्यु होगी फिर कहाँ जाएगा, तो मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, मृत्यु के बाद जो है, अब व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो व्यक्ति चार चीजों से बना हुआ है, अग्नि जल पृथ्वी वायु, अग्नि जल पृथ्वी वायु। ये बुद्धिज्म का कंसेप्ट है, ये मत बोलना कि सर आकाश कहाँ गया। तो बुद्धिज्म के अंदर आकाश वाला कंसेप्ट नहीं है, या जैनिज्म के अंदर जैसे 9 तत्व, तो जैनिज्म बोलता है कि 9 तत्व से बने हुए हैं। हम हिंदुज्म में बोलते हैं कि वे होते 5 तत्व, अग्नि जल पृथ्वी वायु,
आकाश करके, तो पंच तत्व के अंदर विलीन हो जाते हैं, वहीं से बने, वहीं पे खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे चार जो तत्व है वो चार तत्वों का यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट है कि चार तत्वों से इंसान यहाँ पे बनी है, और इनका अलग होना ही मृत्यु है। कि अग्नि जल पृथ्वी वायु अलग हो गया, व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया तो अग्नि में जल गया, जो भी बॉडी के अंदर जल था। व्हाट इज द जल? जल इज द वॉटर, द ब्लड इन अवर बॉडी, या लिम्स हमारी बॉडी में होते, वाटर होता है, वही तो जल हो गया। समझ रही हो? तुम्हारी बॉडी में 75% पानी है, तो बहुत पानी ढुल रहा है तुम्हारी बॉडी में से, नल नहीं आया तो ऐसे निकाल दिया चलो ऐसा करके, तो वो आपकी बॉडी के अंदर लिक्विड मैटर के अंदर आपको अवेलेबल आपको है, तो वो आपका जल हो गया। ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगा आगे तब बताऊंगा। तो पृथ्वी, पृथ्वी मतलब जो भी पृथ्वी से निकलता है उसका हम उपयोग करते हैं, वायु जैसे हम लोग श्वास लेते हैं, तो अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश इनसे हम लोग आपको बने हुए हैं। तो बुद्ध का यहाँ पर आपको बोलना है कि इन चीजों का अलग होना, इनका सेपरेशन होना, यही यहाँ पर आपको मृत्यु है। ठीक है, तो उनके उन्होंने ये चीज आपको बोली। अब उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि डरने का नहीं, है ना, डरने का नहीं। क्यों नहीं डरने? क्या? क्योंकि मृत्यु एक अनंत सत्य है। डेथ इज द फैक्ट ऑफ द लाइफ, जीवन का सत्य है कि व्यक्ति अगर पैदा हुआ है तो मृत्यु तो यहाँ पर आपको होगी, मृत्यु निश्चित है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। आग कल की आती आज आ जाएगी, आज की आती कल आपको आ जाएगी, तो मृत्यु तो स्थायी है, मृत्यु तो होगी यहाँ पे। दिस ओनली थिंग इज परमानेंट, जो होगी होगी, वो मृत्यु यहाँ पर है। जीवन में कुछ हो ना हो, मृत्यु जरूर होगी। और ये कंसेप्ट उन्होंने यहाँ पर आपको दिया, ये कंसेप्ट आया कि मृत्यु यहाँ पर आपको होगी व्यक्ति की कहीं ना कहीं। तो मृत्यु का कंसेप्ट आपको लेके आए कि मृत्यु यहाँ पर व्यक्ति की होगी। और उनके जो जातक कथाएं थी, उन जातक कथाओं में उनके पूर्व जन्म की कहानी आपको लिखी गई कि बुद्ध के पहले के जन्म के अंदर चीजें यहाँ पर आपको कैसी थी, वो चीजें कैसी थी, और उसके बाद यहाँ पर एक तरह से आपको मुक्ति है। क्योंकि हिंदुज्म का मेन कंसेप्ट था कि आत्मा बार बार जन्म लेती है, 64 अलग अलग योनियों में जन्म आपको लेती है। तो वो अलग अलग योनियों में अगर जन्म ले रही है तो मतलब क्या होगा कि आत्मा बार बार ट्रेवल कर रही है, बार 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 ट्रेवल आपको कर रही है, और ट्रेवल कर रही है तो पुनर्जन्म के अंदर आपको फंसी हुई है, उससे ही मुक्ति दिलाना है। तो उन्होंने बोला आत्मा तो होती ही नहीं है, तो मुक्ति किसको दिलाओगे ना? आत्मा तो होती ही नहीं, तो मुक्ति किसको दिलाओगे? तो आत्मा का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया उन्होंने, कि पुनर्जन्म का कंसेप्ट है वो यहाँ पर आपको खत्म हो गया। व्यक्ति क्यों है, हम क्यों कर रहे हैं कि अरे पुण्य मिलेगा, पुण्य और पाप का जो कंसेप्ट, वो कंसेप्ट क्यों आया? इसलिए तो आया कि व्यक्ति अपने अपने लिए वो चाहता है एक अच्छा, क्या बोलते हैं, एक स्वर्ग चाहता है। तो देखो कंसेप्ट ऑफ द स्वर्ग, तो व्यक्ति स्वर्ग चाहता है। स्वर्ग कब मिलेगा? जब आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, है ना। वो मुक्ति मतलब कि आप पुनर्जन्म से यहाँ पर आपको मुक्त मिल जाएगा। अभी आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म कहाँ से आ गया? तो ना आत्मा के कंसेप्ट को ही खत्म कर दिया कि आत्मा है ही नहीं, और मृत्यु जो है वो परमानेंट है। हर धर्म लिखा कि मृत्यु होगी, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर क्या है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, मृत्यु के बाद भी आत्मा ट्रेवल करती रहेगी। उन्हें कंसेप्ट को ही खत्म कर दिया कि ऐसा कोई कंसेप्ट आपको होगा ही नहीं। कंसेप्ट होगा ही नहीं तो लोग कर्मकांड के अंदर, बाकी चीजों के अंदर फंसेंगे नहीं। तो व्यक्ति कर्मकांड जो है इनसे एक तरीके से यहाँ पर आपको मुक्त होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो एथिक्स की उन्होंने यहाँ पर आपको बात की, या नीति की उन्होंने यहाँ पर आपको बात की, तो उनका बोलना था कि कोई भी चीज जैसा बताया कि परमानेंट यहाँ पर आपको नहीं है, तो उनका बोलना था कि जो भी जो नियम कायदे यहाँ पर आपको बने हैं वो मतलब बुद्ध के अकॉर्डिंग यहाँ पे बने। जैसे हम एक चीज पढ़ते हैं कि अशोक का जो धम्म है, अशोक का धम्म है, तो अशोक के धम्म को हमने पढ़ा। तो अशोक एक ऐसा राजा था जिसने पहली बार ये बातें समझी थी, ये पहली बार ये चीजें समझी थी कि हर व्यक्ति अलग अलग है, हर व्यक्ति का तरीका अलग अलग है ना। अगर मैंने एक कंसेप्ट दे दिया अहिंसा का कंसेप्ट अगर दे दिया, तो हो सकता है कि कुछ एरिया ऐसे भी होंगे जहां पर खाने पीने को नहीं होगा, तो वहां के लोग नॉनवेज खाते होंगे। तो उन्होंने जो कंसेप्ट है बुद्ध का, जो धम्म का कंसेप्ट है, वो आपको वेस्ट में नहीं मिलेगा। वेस्ट में मतलब जो अफगानिस्तान और इधर जहाँ पे भी उसके कुछ कुछ स्तूपास वगैरह मिलते हैं, तो वहां पर उन्होंने धम्म नहीं दिया। तो धम्म के अंदर अहिंसा की बात नहीं की, आप समझ रहे हो? बुद्ध ने क्या, अशोक ने जब नॉर्थ में जब कंसेप्ट दिया धम्म का, तो उन्होंने अलग अलग जगह अपने स्क्रिप्चर्स लगवाया, चाहे गुर्जरा में लगवाया, कहीं और लगवाया, तो जहां भी अशोक के इंस्क्रिप्शन थे उसमें धम्म नीति है। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते भी अशोक की धम्म नीति, कि हमको वो हत्या नहीं करना, हमको ये नहीं करना, वो नहीं, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बड़े बूढ़ों की समस्या उनकी सेवा करना वगैरह वगैरह, ये तमाम कंसेप्ट उसके अंदर थे। अशोक के जो वेस्टर्न शिलालेख है, जो पश्चिमी शिलालेख उनके मिलते हैं, जो या फार ईस्ट में जो शिलालेख मिलते हैं, तो उनके अंदर उन्होंने अहिंसा की बात ही नहीं की, या जानवरों को नहीं मारने की बात, मतलब जानवरों को नहीं मारने की बात ही नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर नहीं था, तो लोग वहां पे जानवर मार के ही खाते थे। तो अशोक वाज द फर्स्ट किंग जिन्होंने चीजों को समझा। तो बुद्ध की नीति को भी अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट आपको किया। जैसे चाइना में चले जाओ, चाइना के अंदर 70-80% पॉपुलेशन बुद्धिज्म को मानती है, वो अहिंसावादी थोड़ी है, वो तो
वो पता ही आपको कि क्या करते हैं वो। अभी कोई खाना खा रहा होगा, मैं वो नहीं बोलना चाह रहा, तो आपको पता ही है वो लोग क्या करते हैं। तो अहिंसा नाम की तो कोई चीज है ही नहीं वहां पर उनके पास, ठीक है। तो ये कंसेप्ट उनका यहाँ पर आपको आ गया। तो वही इथिक्स उन्होंने आपको बोला कि जो भी इथिकल प्रिंसिपल्स है, तो ये मतलब बुद्ध के कंसेप्ट के हिसाब से, जगह के हिसाब से उनके अंदर चेंजेस आपको होते रहते हैं, परिवर्तन यहाँ पर आपको होते रहते हैं। तो वो उनका एथिक्स आपको हो गया। एथिक्स मतलब नीति शास्त्र, धर्म के अकॉर्डिंग क्या है, और धर्म की परिभाषा या नीति की परिभाषा जगह के हिसाब से बदलती रहती है। जो कंसेप्ट यहाँ पर कुछ और है, नॉर्थ में कुछ अलग होगा, साउथ में कुछ अलग होगा, ईस्ट में अलग होगा, वेस्ट में अलग होगा, जैसे अलग अलग जगह। जैसे एक हिंदू धर्म में राखी का कंसेप्ट है, राखी बांधता भाई बहन। मुस्लिम्स में मामा बुआ के बच्चों में शादी का कंसेप्ट आपको हो गया, तो वहां पर मामा बुआ के बच्चे शादी कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर राखी बांधते हैं, अलग कंसेप्ट आपको हो गया। तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको है। तो जो भी इस प्रकार के प्रिंसिपल्स बनते हैं, तो समहाउ इट इज इथिकल, समहाउ इट इज नॉन एथिकल। अनएथिकल आपको हो गया, जो मोदी जी की गर्लफ्रेंड और राहुल गांधी की गर्लफ्रेंड और पुतिन की गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल दिया था, तो वही एक्चुअली आपके बुद्ध का एथिक्स यहाँ पर आपको हो गया। वो चीजें बदल सकती है, वो चीजें यहाँ पर आपको चेंज हो सकती है। लेकिन फिर भी उन्होंने नैतिकता की बात यहाँ पे की, कि देयर इज अ नैतिक कंसर्न, मॉरिटी की यहाँ पर आपको बात की। तो उन्होंने बोला कि जो भी गलत और सही है, गुड और बैड है, वो आपके इंटेंशन के ऊपर आपको डिपेंड करता है, कि आपका इंटेंशन उसको क्या था। जैसे मैंने अभी अदिति को डांट दिया या मैंने कृष्णपाल को डांट दिया, अब व्हाट इज माय इंटेंशन, कि मैं क्या चाहता हूँ कि इसका बुरा हो जाए, ये भाग जाए यहाँ से। व्हाट इज माय इंटेंशन, मैंने इंटेंशन क्या है, इंटेंशन ये है कि ये पढ़ाई करे, कम से कम पढ़ाई कर ले, तो ये मेरा इंटेंशन है। तो द व्हाट इज द नैतिकता, मॉरिटी क्या है, योर इंटेंशन इज द मॉरिटी, कि आपको किसी भी चीज को बोलने के पीछे आपका इंटेंशन क्या है, ठीक है। तो हाँ, तो बिल्कुल कर सकता ना, ये तो आर्टिकल 25 बोलता है, 25 यही तो बोलता है, यू कैन चेंज योर रिलीजन, ठीक है। तो कोई भी कारण यहाँ पर आपको हो, तो गुड और बैड की उन्होंने यहाँ पर बात की, अच्छे और बुरे की यहाँ पर आपको बात की, आपका इंटेंशन यहाँ पर आपको क्या है ना। अब उन्होंने बोला कि जो भी इंटेंशन यहाँ पर आपको है, तो यहाँ पे दो तरह के कर्म होते हैं, कर्म इज कॉल्ड द कम्म। तो दो तरह के कर्म होते हैं, इट्स कॉल्ड द अकुल कम्म और कुशल कम्म। अकुल कम्म मतलब आपका होता है जो गलत कर्म आपको है ना, घृणा करना, किसी से हेट करना, या सेल्फ सेल्फिशनेस यहाँ पर आपको होना, तो ये क्या है, ये बुरे कर्म, अकुल कम्म यहाँ पर आपको होगा। दूसरा होता है सकुल कम्म। सकुल कम्म मतलब आप ज्यादा बुद्धिमान यहाँ पर हो, लोगों का भला करते हो, आप सेल्फिशनेस यहाँ पर आप, सेल्फ आपके अंदर आपको नहीं है, तो ये कुशल कम्म हो गया। तो नैतिकता में उन्होंने अकुल कम्म और नैतिक कर्म, या अकुल कम्म या फिर आपको कुशल कम्म, तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म इनका कंसेप्ट भी उन्होंने यहाँ पर आपको दिया। जैसे टू टाइप ऑफ कंसेप्ट, जो अच्छे कर्म और बुरे कर्म यहाँ पर है, तो अगेन उन्होंने कर्म के कंसेप्ट को लेके आए, और कर्म किसके ऊपर बेस्ड है, आपके इंटेंशन के ऊपर, कि आपका इंटेंशन क्या था करने से। सो दिस अनदर थिंग इज कॉल्ड द इंटेंशन, और उसके हिसाब से देखा जाएगा कि आपके कर्म सही है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है। उसके बोलते हैं ना हिंदी में वो एक है कि किसी के भले के लिए झूठ बोलना झूठ नहीं है, ऐसे करके। तो बस वही चीज यहाँ पर आपको हो गई, कि आपने क्या किया कि किसी के भले के लिए कोई ग्रीड आपकी हो गई, या किसी के लिए अपने भले के लिए आपने आपका क्या बोलते हैं तृष्णा यहाँ पर आपके अंदर आपको थी, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ग्रीड। तो वो अकुल कम नहीं, वो सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है। तो सिचुएशनल टेस्ट हो गया यहाँ पे, कि सिचुएशन कैसी थी, सिचुएशन में आपने क्या किया। सो दिस इज कॉल्ड द मॉरलिटी, दिस इज कॉल्ड द नैतिकता। फिर उन्होंने जीवन के तीन एसेंशियल चीजें यहाँ पे बताई, तीन जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने बताई। पहली उन्होंने बताई विजडम, प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी ये प्रज्ञा की स्पेलिंग ये है, ठीक है, स्टूडेंट आती है क्लास में प्रज्ञा, वो तो नॉर्मल लिखती है, बट एक्चुअल कंसेप्ट ये है। है ना, तो ये PRAJN है, प्रज्ञा। अच्छा तुम हो, है ना, तो दिस इज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्रज्ञा। फिर प्रज्ञाशील समाधि, या प्रज्ञाशील स्कंद भी कहा जाता है, प्रज्ञाशील समाधि। तो उन्होंने बोला विजडम या ज्ञान यहाँ पर आपको हो गया। अब ये ज्ञान क्या करता है, आपके इंटेंशन को तय करता है। ये बोरिंग तो नहीं हो रहा ना, मतलब बच्चों को फिलोसॉफी में इंटरेस्ट है, आगे और मजा आएगा।
मतलब धर्मों की फिलोसफी बहुत इंटरेस्टिंग है, चाहे वो जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे के सिखिज्म आपको हो, तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इट इज रिलेटेड टू योर लाइफ, आपके जीवन से संबंध है, तो आपको जीवन से संबंधित चीजें आपको मिलेगी, आपको जीवन का एक रास्ता मिलेगा, यही तो धर्म है। मतलब मुझे तो और खुशी होती कि गीता भी होती सिलेबस में, जैसे राजस्थान में है तो राजस्थान के सिलेबस में इथिक्स में बच्चे गीता भी पढ़ते हैं। आगे यही काम आएगा क्यों बेटा, जीवन का यही सत्य है, जो मैं बुढ़ापे में सीखती सर आपने मुझे जवानी में सिखा दिया, सही आगे ही काम आएगा, राइट? ठीक है, आगे नहीं अभी भी काम आएगा। तो उन्होंने बोला विजडम या ज्ञान की यहाँ पर आपको बात की, तो उनका बोलना है कि जो आपका व्यू है वो अगर आप में विजडम होगा, ज्ञान होगा, तो ये आपका जो इंटेंशन है, आपके इंटेंशन को यहाँ पर आपको सही करेगा, राइट इंटेंशन, सही इंटेंशन, सही आपके इरादे हैं, ठीक है, आपके व्यूज यहाँ पे सही होंगे, तो राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, ये सब क्या होगा, ये सब आपके जो आप बोल सकते हो कि ये आपकी विजडम होगी, आपका ज्ञान यहाँ पे होगा। विजडम मतलब आपकी प्रज्ञा के ऊपर यहाँ पे डिपेंड होगा, कि आपकी जितनी अच्छी प्रज्ञा होगी उतनी अच्छी आपकी वाणी होगी, आपके कर्म अच्छे होंगे, आपके एक्शंस अच्छी होंगी, आपके तमाम चीजें आपको अच्छी होंगी। क्यों अच्छी होंगी? क्योंकि आपके अंदर विजडम है, ज्ञान यहाँ पर आपको, या प्रज्ञा, प्रज्ञावान व्यक्ति यहाँ पर हो। दूसरा बोला एथिकल कंडक्ट, कि आपके कंडक्ट अच्छे हैं, कंडक्ट मतलब आपके कर्म अच्छे हैं, तो द कंडक्ट आर गुड, कि आपने किसी को गलत नहीं बोला, किसी को गाली नहीं दी, किसी की मार बहन नहीं करी, किसी को आपने गलत शब्द नहीं बोले, किसी को आपने मारा नहीं, किसी को कुछ नहीं किया, तो ये आपके इथिकल कंडक्ट हो गए। शील बोलते हैं उसको, तो शील स्कंद बोला जाता है। तीसरा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब क्या? कंसंट्रेशन मतलब जो भी आपका कर्म है उस कर्म में आप लगे रहे, आपने कर्म से आप डिगे नहीं, एंड मतलब क्या, कंसंट्रेशन ऑन योर एम, आपके एम के ऊपर, आपका जो भी लक्ष्य है, आपके लक्ष्य के ऊपर आप केंद्रित हो, लक्ष्य के ऊपर केंद्रित हो, यही क्या होता है, यही कंसंट्रेशन यहाँ पर आपको होता है, ठीक है? तो यही कंसंट्रेशन है, यही आपका क्या है, स्थिरता, इसको बोलते हैं समाधि। समाधि मतलब ये नहीं कि बैठ गया हम बगल हम ऐसा करके बैठ गए, दिस इज नॉट द कंसंट्रेशन। व्हाट इज द कंसंट्रेशन? आप आपके एम को लेके एकाग्र चित्र हो, कि ये मेरा एम है एंड आई हैव टू डू दैट, यही क्या है, यही यही कंसंट्रेशन है, यही समाधि आपको है, इसी को समाधि बोला जाता है। तो उन्होंने विजडम, एथिकल और कंसंट्रेशन, ये तीन एसेंशियल जो कंसेप्ट है, ये तीन एसेंशियल कंसेप्ट दिए उन्होंने, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी ना, प्रज्ञा, ज्ञान, शील और समाधि। उसके बाद उन्होंने बोला कि पंचशील, फाइव रिफ्रेन, पांच चीजों आपको रिफ्रेन करना चाहिए, पांच चीजों को आपको छोड़ देना चाहिए, वही पांच चीजें, हिंसा न करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सेक्सुअल मिसकंडक्ट आपको नहीं करना, या इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक, या आपके शराब वराब यहाँ पर आपको नहीं पीना, ठीक है? तो हाँ, करुणा मतलब नहीं, करुणा और समाधि अलग होता है। तो समाधि मतलब होता है एकाग्रचित्त होना, या आपके एम को लेके, आपके उद्देश्य को लेके बने रहना, वो समाधि होता है। करुणा का मतलब होता है यू आर कंपैशनेट टुवर्ड द वीकर सेक्शन, गरीब व्यक्ति के लिए कंपैशनेट होना। अब जब लिखोगे ना आंसर आप उसमें, तो वही तो आपकी करुणा हो गई, कि आपका जो जो गरीब व्यक्ति है उसके प्रति जो करुणा है, वो करुणा यहाँ पर आपको दिखाना। हाँ लिखा रहता है उसमें, यस राइट, ठीक है, तो करुणा दिखाना, वो एक कंसेप्ट हो गया कि आप करुण हो। करुण मतलब आपको दया है आपके अंदर, तो कोई भी जो व्यक्ति है उसके लिए दया है, तो दया होना जरूरी यहाँ पर आपको है, ठीक है? तो वो दया एक अलग चीज आपको है, करुणा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? तो समाधि मतलब यू आर कंसंट्रेटेड टू योर एम। तो ये पांच चीजें उन्होंने पंचशील सिद्धांत में आपको बोले। अभी पंचशील किसके हैं? ये बुद्ध के पंचशील है। एक पंच महाव्रत कहाँ पर आएगा? वो होगा आपके जैनिज्म के अंदर। फाइव रिफ्रेन, ये पांच चीजें हमको नहीं करनी है, जो भी मैंने आपको पहले समझाई थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला 10, उन्होंने डेमेट्रियस डीड्स बोली, 10 डीड्स या 10 कर्म उन्होंने आपको बोले, कि 10 कर्म यहाँ पर आपको करना है। तो 10 कर्म उन्होंने बोला कि आपकी बॉडी के ऊपर, तो 10 कर्म मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी कि आपकी, आप किसी की हत्या ना करें, चोरी ना करें, कोई अनसेक्सुअल अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, फिर वर्बल एक्शन, कि एक तो आपकी बॉडी कुछ कर रही है, आपकी वर्बल एक्शन कुछ कर रही है, और उसके बाद आपका जो माइंड है, आपका माइंड कुछ कर रहा है, दिमाग कुछ कर रहा है, तो आपकी बॉडी, आपकी वर्बल एक्शन और आपका माइंड कुछ कर रहा है ना, क्या आपकी जानवर की हत्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, है ना, सेक्सुअल मिसकंडक्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी एक्शन हो गई, कि आपकी बॉडी इस प्रकार के कर्म कर रही है। दूसरा वर्बल एक्शन हो गया, वर्बल एक्शन में लाइंग, झूठ बोलना, है ना, किसी की निंदा करना,
जो स्पीच है, तो गलत स्पीच या गलत बात यहाँ पर आपको बोलना, हार्श स्पीच बोलना, फिर उसके बाद ऐसी कुछ भी उल्टा सीधा किसी के बारे में आपको बोलना, मीनिंगलेस बातें यहाँ पर आपको बोलना, तो ये क्या हो गया? वर्बल एक्शन हो गई आपकी भाषा से, आप किसी को गलत यहाँ पर आपको बोल रहे हैं। फिर आपके माइंड के एक्शन हो गए ना, लोभी यहाँ पर आपको होना कि कोई व्यक्ति लोभी है, लोभ के अंदर आपको आ गया, लालच के अंदर आपको आ गया, किसी के लिए द्वेष है, तो ये द्वेष वगैरह सब कुछ दिमाग से यहाँ पर आपको आती है। तो आपकी जीवा से, आपके शरीर से और आपके माइंड से, दिमाग से, तीनों चीजों से गलत चीजें नहीं निकलना चाहिए, रॉन्ग चीजें नहीं निकलना चाहिए। तो यही उन्होंने आपके डीड्स ओनर बताया, कर्म बताया कि 10 कर्म जो है वो इंसान को यहाँ पर आपको नहीं करना चाहिए। ये कुछ चीजें बुद्धिज्म के अंदर आपको है, कुछ और भी चीजें मैं आपको, एक दो थ्योरीज और हैं बुद्धिज्म की, तो उसके बारे में हम लोग और कल बात करेंगे। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द जैनिज्म, तो फिर जैनिज्म के बारे में आपको बात करेंगे, ठीक है? चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग इसको, कल हम बात करेंगे जैनिज्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। अभी एक यूट्यूब के ऊपर एक क्लास है जहाँ पर हम लोग पेपर 1 की जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बात करेंगे कि पेपर 1 को कैसे प्रिपेयर किया जाए, पेपर 1 को कैसे पढ़ा जाए, तो उसके बारे में हम लोग अभी 10:30 वाली जो क्लास है उस क्लास में हम लोग आपको बात करेंगे। चलिए, तो इस क्लास में इतना ही, और अभी ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा लिंक, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। चलिए, ग्रुप में डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, है ना? चलिए, यूट्यूब क्लास, चलिए।